हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। शुरुआत करते हैं हमारे जेई मेंस फिजिक्स मेजर टेस्ट 1 पार्ट 1 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक सेगमेंट दिया हुआ, वायर का स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रेस स्ट्रिंग, उसके वायर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो उन तीन हिस्सों की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज F1, F2, F3 है। तो आपको बताना कि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी कंप्लीट स्प्रिंग की क्या थी। तो देखो, सिंपल सी बात है बेटा, इसमें आप जब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वी अपॉन 12। वी डिपेंड करता है टी पे और म्यू पे। तो आपने जब इस एक स्ट्रिंग को तीन हिस्सों में डिवाइड किया तो L1, L2 और L3 ये सब मिला के L के बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, L इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 इक्वल्स टू 1/F0, है ना। बाकी कुछ कांस्टेंट आएंगे, वो यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे, वो कट जाएंगे। तो सिंपल सा आपका सेकंड ऑप्शन इसका बन जाएगा। फिर आते हैं हमारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये पर्सन एस और पी एक दूसरे को पकड़ना चाह रहे हैं ना। तो देखो, जब इनको एक दूसरे को मिलना है तो जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटीज है वो इक्वल होनी चाहिए, ताकि इनका वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट टी टाइम के बाद इक्वल आए। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को इक्वल कर दो, तो इससे आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। ओके, अगला आता अपना सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो, पैरेलल सर्किट में हमेशा ध्यान रखना करंट का वेक्टर एडिशन होता है। तो ये वाली करंट कितनी है, इसमें आपको ये वाली करंट दी हुई है 0.6 और ये वाली दी हुई है 0.8। तो यहां से जो नेट करंट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों करंट का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर आएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो ध्यान रखना वेक्टर एडिशन किसका होगा, करंट का पैरेलल सर्किट में, और सीरीज में किसका होता है, वोल्टेज का। अब यहां पे फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि रेनड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है, सिंपल सा कारण है, सरफेस टेंशन, है ना, इसकी वजह से रेनड्रॉप जो है वो स्फेरिकल हो जाती है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोला कि एक जो पार्टिकल है वो SHM कर रहा है और वो मीन पोजीशन से दो कंसेक्यूटिव टाइम टी और वापस 2T में निकलता है। तो ये जो डिफरेंस है 2T माइनस टी वो कितना हो जाएगा, T/2। तो टी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2π/T, यानी कि 2π/2T, यानी कि π/T। अब v क्या होता है, v होता है a ओमेगा। तो a क्या हो जाएगा, V/ओमेगा। तो V कितना हो जाएगा, π/T अपॉन A, सॉरी π/T अपॉन, जस्ट ए मिनट, V अपॉन π/T। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक लेंस के फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट कितनी है, और सेकंड फोकस से, तो ये फोकस, ये इधर फोकस, इधर से ऑब्जेक्ट जो है वो इतना दूर है एक्स, और इधर से जो इमेज है, ठीक है, वो मान लो इतना, कितना, 4x डिस्टेंस दूर है। तो हमें पता है कि एफ क्या होता है, रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। भाई इसको अगर मैं x बोलता हूँ और इसको y बोलता हूँ, तो y 4x दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, सॉरी 4x है ना, तो ये हो जाएगी 2x। तो ऑप्शन विल बी फोर्थ, सिक्स का। अगला आता है अपने पास सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री के सराउंडिंग में रखा हुआ है, उसको 60 से 50 आने में 10 मिनट लगते हैं, है ना। तो अगले 10 मिनट में क्या होगा, देखो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता है ना, उसके ठंडे होने की रेट भी कम होती है। इसका मतलब शुरू के 10 मिनट में अगर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हुआ, तो अगले 10 मिनट में कम ठंडा होगा, है ना। तो अब उसका टेम्परेचर हुए वो 10 डिग्री कम नहीं होगा, है ना। यहाँ अगर 10 का फॉल आया है तो अब फॉल जो है वो लेस देन 10 आएगा। इसका मतलब 50 में से 10 से कम घटा, तो 40 से ज्यादा रहेगा अपना आंसर। तो थर्ड ऑप्शन सेवंथ का। आगे बढ़ते हैं हमारे एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन में आपको -10 डिग्री सेंटीग्रेड की
3.2 केजी की बर्फ को है ना, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इतना आ जाएगा, कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप पहले जीरो तक लाओगे है ना, फिर इसको आप मेल्ट करवाओगे वाटर में, और इधर से आप पहले 540 की आइस आइस का एम मास सॉरी स्टीम का एम मास को आप कहाँ पे रखोगे, सो पे। तो पहले तो ये सो के वाटर में कन्वर्ट होगा और फिर ये पूरा का पूरा कंडेंस होगा, तो इस तरह से। तो इसमें इसको रिक्वायर्ड हीट कितनी है, देखो ये तो हो जाएगी अपने पास m इंटू एल प्लस एम सी डेल्टा टी, इधर आएगा एम सी डेल्टा टी रिलीज्ड हीट प्लस m इंटू एल, ये आएगा 3200। पहले एम सी डेल्टा टी आएगा ना, तो ये तो कौन सा पार्ट है, टेम्परेचर बढ़ने वाला, तो m कितना हो जाएगा 3200, c कितना हो जाएगा इसमें हाफ, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 10 - 0 3200 × 80। इधर क्या हो जाएगा m c 1 क्योंकि पानी बन गया ना, ये तो डेल्टा टी कितना है 100 से 0 तक लाना है, प्लस m और ये कितना है 540। इसको सॉल्व करने पर आपको m की वैल्यू मिलेगी 4 to 5 ग्राम। ओके मतलब जितनी हीट स्टीम रिलीज करेगी उतनी ही हीट को ये आइस जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। और मिनिमम मास लेने का मतलब क्या है कि आपको स्टीम को पूरा इक्विलिब्रियम तक लेके आना है, यानी कि वाटर जीरो पे, ठीक है। जस्ट पिघलाने का मतलब ये कि जस्ट इसको वाटर में कन्वर्ट कर दो और स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट हो जाए। अगला आता है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक डिफरेंस पूछा है मर्करी लेवल में है ना, और आपको यहाँ पे दोनों एरिया दिए हुए, बड़ा वाला और छोटा वाला, और साथ में इनमें आपको इनकी फ्लो रेट भी दी हुई है। तो फ्लो रेट देखो, यहाँ पे फ्लो रेट क्या होती है, क्यू बराबर A1V1 है ना, या A2V2। साथ में अगर यहाँ पे इक्वेशन हम लगाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर हम P1 P2 मान लें, तो P1 - P2 भाई जहाँ पे लेवल ज़्यादा है वहाँ प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ रो V1² - V2²। अब यहाँ V1 V2 को जब आप रिप्लेस करोगे, ठीक है, और ये जो डेल्टा पी है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा पी उसको अपन रो जी एच के इक्वल कर सकते हैं ना भैया, तो इस लिक्विड की वजह से प्रेशर डिफरेंस आया, और ये डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, रो एच जी जी डेल्टा एच। ये डेल्टा एच क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब जितना लिक्विड प्रेशर लगाएगा उसको मर्करी बैलेंस करेगा, सिंपल सी बात है। तो इन इक्वेशंस को जब आप आपस में सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, देखो V1 V2 को तो आप ऐसे रिप्लेस कर दो, A1 A2 आपको दिया है, ये किसकी डेंसिटी, वाटर की, क्योंकि ये वाटर है और ये एच जी है, तो डेल्टा एच सॉल्व करने पर अप्रॉक्स 1.93 सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा। अगला आता है टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक कॉपर स्फीयर को जब गर्म करते हैं तो परसेंटेज चेंज मैक्सिमम किसमें होगा, परसेंटेज चेंज मैक्सिमम किसमें होगा, इसके लिए देखो हमें पता है कि जो डेल्टा आर होता है अपॉन आर वो होता है अल्फा डेल्टा टी, वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज क्या होता है वो होता है गामा डेल्टा टी, और गामा क्या होता है 3 α δT। मतलब परसेंटेज चेंज रेडियस में जितना हो रहा है उसका ट्रिपल किसमें होता है, वॉल्यूम में, और ट्रिपल ही डेंसिटी में होता है, तो वॉल्यूम में मैक्सिमम सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसमें आपसे पूछा है कि कितना इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको जब आप चला रहे हो तो यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितना स्ट्रेन आएगा वो निकालना है। तो ये एक्स डिस्टेंस पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट में टेंशन कितना आएगा, टेंशन आएगा जो इस पूरे बचे हुए सेगमेंट को उतना ही एक्सेलरेशन दे जितना पूरी रॉड को मिला है, तो टेंशन आ जाएगा एक्स एफ नॉट बाई एल। इस टेंशन की वजह से स्ट्रेस इस एलिमेंट में कितना आएगा, टी बाई एस, तो एफ नॉट एक्स बाई दिस। अब हमें पता है स्ट्रेन क्या होता है, वाई इंटू स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू एफ नॉट एक्स बाई एल। अब यहां पर आपको डिफॉर्मेशन बताना है, मतलब टोटल डेल्टा एल बताना है, तो ये हो जाएगा
है ना, साथ में ये हो जाएगा डेल्टा डी एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब इस छोटे से एलिमेंट में कितना चेंज और आएगा, ये खुद डी एक्स है और इसमें कितना और एडिशनल चेंज हुआ उसको डेल्टा डी एक्स मान लिया, तो डेल्टा डी एक्स वाई एफ नॉट एक्स एल एस डॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो आप, ये टोटल इससे जीरो से डेल्टा एक्स इसका चेंज आएगा और ये जीरो से एल, तो सॉल्व करने पर आपका आंसर बन जाएगा दिस। कोई कंफ्यूजन इसमें? और फिर इसमें आपको टोटल डेल्टा एक्स मिलेगा ना, तो डेल्टा एक्स को फिर इससे जो डेल्टा एक्स आएगा उसको डेल्टा एक्स को डिवाइड बाय एल कर देना, तो आपका आंसर हो जाएगा अपना एफ नॉट अपॉन टू एस वाई। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आपसे डेल्टा एक्स नहीं पूछा, आपसे डेल्टा एक्स अपॉन एल पूछा, इससे जो आंसर आया उसको एल से डिवाइड भी करना है। अगला आता है, देखो ट्वेल्थ में आपको कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है, तो देखो बी क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा, तो ये हो जाएगा 4 × 10^5, और क्या हो जाएगा b बराबर डेल्टा p डेल्टा v अपॉन v, तो इसमें देखो b, अब ये कितना दिया आपको 1/4 × 10^5, डेल्टा v कितना दिया हुआ है डेल्टा v हो जाएगा अपने पास पूछा है, और ये कितना दिया आपको 100, तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास इजीली जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा डेल्टा वी बराबर 10^4 / 1/4 × 10^5, तो 0.4 cc 12वीं का फर्स्ट ऑप्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन? फिर अगला आता अपने पास, ये बोल रहे जीनर डायोड से करंट कितनी जाएगी, देखो जीनर डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस में लगा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है ना, जीनर वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट है ना, तो अब इसमें यहाँ पे 15 वोल्ट को अगर मैं रेशियो में डिवाइड करता हूँ तो 1:4 के रेशियो में जाएगा, 1 और 3 के रेशियो में, तो 4 हिस्से करूंगा तो इसको यहाँ पे जो हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा 15/4 का 3 times, यानी कि 3 × 15/4। अब देखो ये जो वोल्टेज है वो 10 से ज़्यादा ही है ना, 10 से ज़्यादा वोल्टेज अगर जीनर के अक्रॉस आ रहा है तो ये रिवर्स में चला जाएगा, रिवर्स में है और जीनर वोल्टेज से ज़्यादा पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इसको इग्नोर कर दो कि मान लो ये नहीं है, आप R2 पे वोल्टेज निकाल लो, वो वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको अब इस डायोड को सिंपल एक करंट सोर्स से रिप्लेस करना है, तो इस पे डिफरेंस कितना रहेगा, इस पे डिफरेंस 10 वोल्ट का मेंटेन रहेगा, इसका मतलब तो पहले तो अपन ने चेक किया, अब इस पे डिफरेंस 10 वोल्ट का मेंटेन रहेगा, तो 10 वोल्ट 15 में से 10 ये रहेगा, तो इस पे कितना आएगा 5, अब देखो इसमें से कितनी करंट आएगी 5/500 ये आएगी, कितनी आएगी ये करंट इधर से जो आएगी वो आएगी 10 mA, अब इसमें कितनी जाएगी, इसमें जाएगी देखो इसमें ये करंट जाएगी ना, तो 10 इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी मेरे पास 10/1500, तो इसको आप मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करोगे तो 3 0 लगा दो तो 16/100/15 कितना आएगा, ऑलमोस्ट 6.7 मान लेता हूँ ना, 6.7 mA जो है वो करंट इसमें है, उधर से कितनी आ रही है 10 mA, तो 6.7 इधर है, इधर से 10 आ रही है, तो बची हुई 3.33 इधर चली जाएगी, तो इसमें कितनी जाएगी 3.3 के आसपास, फोर्थ ऑप्शन, मतलब जो भी एक्सेसिव करंट है वो जीनर डायोड अपने अंदर से फ्लो करवा देगा, 13 का फोर्थ। ठीक है, अब ये सिंपल सी एक आपको टेबल दी हुई कि दोनों जब जीरो हो तो किसके लिए होते हैं, देखो दोनों जीरो हो तब इनपुट 1 जो है वो किसका आता है ना, तो दोनों जीरो पे इनपुट 1 जो है वो आएगा एंड के लिए, क्या होता है जस्ट अ मिनट, एंड के लिए होता है ए डॉट बी, दोनों जीरो पे जीरो आता है, नेंड के लिए क्या होता है ए डॉट बी, ये दोनों जीरो पे 1 आता है, XOR के लिए क्या होता है एक्स और होता है ए डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार डॉट बी इस पे, और एक है नोर, नोर क्या होता है ए प्लस बी का बार, तो अब ये यहाँ पे जब आप इन डेटा को पुट करोगे इन फंक्शन में तो आपका यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा नोर गेट है ना, क्योंकि नोर गेट में दोनों जीरो रखने पे 0 + 0 क्या होता है 0 और उसका उल्टा करोगे तो 1, तो आपकी टेबल सेटिस्फाई कर जाएगी फोर्थ के लिए। देखो जो 15 क्वेश्चन में यहाँ पे एक एसी इनपुट दिया हुआ है, तो एसी इनपुट में देखो मैं डायरेक्ट आपको सही ऑप्शन क्रॉस चेक करवा रहा हूँ, मान लो यहाँ प्लस है और ये माइनस है,
तो प्लस से एंटर होगी, करंट को माइनस आना पड़ेगा। देखो करंट जैसे यहाँ आएगी, ये डायोड ऑफ, ये ऑन, करंट इधर गई, फिर ये तो रिवर्स में हो जाएगा ना, तो ये इधर से यूँ आके, यूँ आके, यूँ आके, यूँ चली जाएगी, है ना। तो फॉरवर्ड के केस में ये वाले दो ऑन हो रहे हैं, अब मतलब इस हाफ साइकिल के। अब इधर माइनस इधर प्लस करें तो देखो करंट यूँ जा रही है ना, अब करंट के लिए यूँ ये डायोड ऑन हो जाएगा, तो करंट यूँ जाएगी, करंट यूँ जाएगी ना, फिर उसके बाद इधर ये तो ऑफ हो जाएगा फिर, है ना, फिर करंट नीचे आएगी, नीचे आके फिर ये ऊपर जाके, ये देखो ये डायोड ऑन हो जाएगा, है ना, और ये डायोड ऑन होगा, तो उस केस में यहां से करंट यूं चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, 15th, फोर्थ ऑप्शन। अगला आता है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में स्लिट विड्थ ए है, वेवलेंथ लैम्डा है, फोकल लेंथ लेंस की एफ ए। देखो जो फोकल लेंथ होता है ना, इसी को अपन स्क्रीन की डिस्टेंस मानते हैं ना, तो इस केस में जो एंगुलर विड्थ होगी, है ना, एंगुलर विड्थ कितनी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, 2 लैम्डा बाय ए, उसी को आप डी से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय ए इंटू एफ, बस थर्ड ऑप्शन। फिर उसके बाद आएगा 17 की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। अब इसमें बोला कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक के लिए क्या होती है, डायमैग्नेटिक के लिए जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और काफ़ी कम होती है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। 18th में आपको यहाँ पे दो बार मैग्नेट दिए हुए हैं, है ना, इनके नॉर्थ साउथ पोल दिखाए गए हैं, तो आपको डी पॉइंट पे जो है आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको इसकी वजह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक्सिस के अलोंग बी वन ऐसा आएगा, ये इसके लिए क्या इक्वेटोरियल पे, तो बी टू ऐसा आ जाएगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, बी वन माइनस बी टू क्या हो जाएगा, मे नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, है ना, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू एम टू, है ना, माइनस ऑफ एम टू अपॉन आर क्यूब। इसको सॉल्व करने पे आपका 18 का आंसर क्या बनेगा, 18 का आंसर जो बन जाएगा, इसमें केवल डेटा पुट करना है आपको, तो सॉल्व करने पे 18th जो बन जाएगा आपका वो 0.3 टेस्ला बन जाएगा। ओके, सिंपल डेटा पुट करना आप। आगे बढ़ते हैं 19 पे। 19 में आपको वर्नियर कैलिपर्स में कोई जीरो एरर नहीं दी गई है, तो आपको लेंथ ऑफ रॉड पूछा है। तो देखो 5 पे जीरो स्टैंड, आपका जो जीरो है वो 4 से पहले ना, तो क्योंकि ऑप्शन में देखो 5 का तो कोई दिया ही नहीं, तो जो 4 से 5 के बीच में मानना जीरो को, है ना, तो 4 से 5, अब यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है 5 वाला, है ना, तो 5 वाला किससे मैच कर रहा है, किसी मेन स्केल से, तो देखो ये मैच कर गया ना, तो आपका आ जाएगा 4, है ना, 4, और उसके बाद फिर 5th डिवीजन मैच कर रहा है, और आपको लीस्ट काउंट के लिए 7 MSD बराबर 1 VSD दिया हुआ है, तो 1 VSD क्या हो जाएगा, 7/8 MSD, और आपका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1/8 MSD, है ना, और मेन स्केल जो है 1 mm, तो 1/8 mm हो जाएगा, तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, 4+5 × 1/8 mm, ठीक है। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे, आपका 19th का आंसर क्या बन जाएगा, आपका 19th का आंसर बन जाएगा इसमें, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर बन जाएगा 4.625 mm। ओके, आगे बढ़ते हैं हम हमारे 20 क्वेश्चन पे। एक LC सर्किट में L और C की वैल्यू दी है, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है ना, जो वेवलेंथ बनती है वो होता है F इज 1/2π√LC, LC ऑसिलेशन सर्किट का फॉर्मूला होता है, तो F बराबर 1/2π√LC। तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका 20 में आंसर बनेगा वो बनेगा 190 मीटर, जो डेटा दिया ना आपको उसको सॉल्व करोगे तो आपका 190 मीटर इसका आंसर बन जाएगा। ओके, अगला आता है सेक्शन इंटीजर वाला। बच्चों अगला आता है इसका फर्स्ट क्वेश्चन इंटीजर सेक्शन में। इसमें आपको बोला हुआ है कि एक इनफाइनाइट प्लेन है जो जेड एक्सिस के अलोंग है बिटवीन वाई ए से माइनस ए के बीच में। तो एक बार थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के देखते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये प्लस है, ये माइनस है, और जेड एक्सिस के अलोंग एक प्लेन है ना, मतलब ये प्लेन पूरा का पूरा इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से,
ठीक है। अब यहां पे आपने एक चार्ज रखा हुआ है, और चार्ज कहां रखा आपने? रूट टू प्लस वन है, तो रूट टू प्लस वन है, ये डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, टू ए हो जाएगी ना, और इधर आपको ये डिस्टेंस दिया है रूट टू प्लस वन ए, तो ये जो डिस्टेंस है वो है रूट टू प्लस वन ए। देखो अब आप इसमें टॉप व्यू अगर लेते हो ना, है ना, मान लो आप एक ऑब्जर्वर को यहां बिठाते हो, ठीक है, तो इसमें जो ये थीटा आएगा, ये जो थीटा बनेगा है ना, या ये आधा थीटा निकाल लेते हैं, तो ये आधा थीटा टेन थीटा क्या आएगा आपके पास, सॉरी ए अपॉन रूट टू प्लस वन ए, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे जो आपके पास आती है, इसको आप रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो ये नीचे टू माइनस वन यानी कि रूट टू माइनस वन आ जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे जो आती है वो टेन, जो पूरा एंगल आता है वो आता है 22.5, है ना, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का मतलब ये पूरा डबल एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। अब 45 डिग्री तो इस प्लेन ने बनाया ना, अब ऐसे समझो कि एक चार्ज जो है वो अपना फ्लक्स जो है वो हर तरफ भेजता है ना, तो इस चार्ज का जो फ्लक्स है वो सब तरफ जाएगा, ऐसे 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 हर तरफ। तो एक ऑब्जर्वर यहां से अगर देखेगा तो वो क्या फील कर रहा है कि एक ऑक्टागन टाइप की शेप बन रही है ना, और उस ऑक्टागन शेप की वजह से, देखो थोड़ा सा मैं इसको और दूसरा कलर यूज करता हूँ, इस तरह की एक शेप बन रही है ऑक्टागन जैसी, और यहां से ये अपना वो प्लेन है जिसने 45 डिग्री एंगल बनाया इस चार्ज पे। तो ऐसा सोचो कि पूरा ऑक्टागन शेप में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सारी आठ साइड में मिला के कितना जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस एक फेस से कितना निकलेगा, 1/8, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल, आई होप आपको ये नोट्स में ऐड करना चाहिए, तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इसमें आंसर आएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये एंगल जो है ना, जो ये विड्थ बना रही है इस चार्ज पे, वो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री, और आपको फिर क्लिक करना चाहिए कि इसे कितने प्लेन में साइड में लगाऊं ताकि पूरा चार्ज कवर हो जाए, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8, है ना, एन की जगह क्या आएगा, 8। अगला आता आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट को आपने एस्केप स्पीड जितना वेलोसिटी दी है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो इतना दिया हुआ है आर, और एक्सेलरेशन जो है आपको जी दिया हुआ है। तो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट हाइट 3R फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो बॉडी को 3R हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है ना बड़ा कंसेप्चुअल तरीका है, आप यहां से इसको फेंक रहे हो, है ना, आर हाइट से, और टोटल आपको 3R फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना, हाइट 3R मतलब टोटल डिस्टेंस ये 4R हो जाएगी ना, यहां तक लेके आना है, और यहां तक आने का टाइम पूछा है, ठीक है। तो देखो इस केस में ना आपको यहां तक तो लेके आना है, तो आप क्या करोगे, पहले किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे इसकी स्पीड कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मान लिया इस पॉइंट पे इसकी स्पीड v है, तो देखो एनर्जी इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल स्मॉल m अपॉन r, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, तो यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और इनिशियल हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल स्मॉल m अपॉन r। v का वैल्यू आपको पता ही, एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो ये डेटा पुट करोगे सॉल्व करोगे तो आपको v की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको v की वैल्यू मिलेगी इस केस में r रूट टू जी बाई आर। इस v को आप क्या लिखोगे, डी आर बाई डी टी, भाई बेसिकली ये v जो है वो इस r के बढ़ने की रेट ही तो है ना। फिर आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं ना, r रूट टू जी डॉट डी टी, इधर लिखोगे डी आर रूट आर, ये क्या हो जाएगा, आर से लेके 4R तक, और ये जीरो से लेके टी तक। इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो इस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे 7/3 रूट टू आर बाई जी, तो एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह आ जाएगा 7। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, पहले एनर्जी इक्वेशन लगाओ, उससे v निकाल के v को dr by dt के इक्वल करके इंटीग्रेट करना है। ओके बेटा, आता है थर्ड क्वेश्चन। तो देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर एक आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसको आपने इस तरह से हाथ से पकड़ के सिंपल होल्ड किया हुआ है। तो देखो सिंपल सी बात है, देखा क्या होगा इसमें, एक तो ये फिंगर जो है वो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी,
है ना, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाता हूँ मैं, है ना। ये तो 2a है, ये डिस्टेंस आपको a बाई टू दी हुई है ना, और ये क्रॉस सेक्शन जो है वो कैसा है, ये आपका एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ना, तो a बाई टू है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस तो 2a है, लेकिन तो mg जो है वो यहाँ से a डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये एक थंब जो है इसको वो किधर धक्का दे रहा है, वो इसको इधर धक्का दे रहा है F1, है ना। इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो मान लिया म्यू F1 लगेगा, इधर से इसको उंगलियां नीचे दबा रही है तो ये F2, फ्रिक्शन किधर आएगा इस पे म्यू F2, है ना, इस पे फ्रिक्शन जो है वो सॉरी पीछे आ जाएगा ना, इस पे फ्रिक्शन जो है वो इधर से आ जाएगा म्यू F2। तो देखो इक्वेशन जब आप बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू F2 बराबर F1 पहली इक्वेशन x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या आएगा F2 प्लस mg बराबर म्यू F1 दूसरी इक्वेशन, और तीसरी क्या आ जाएगी, तीसरी आप बना दो टॉर्क की इक्वेशन। तो टॉर्क की इक्वेशन किसके अबाउट बनाओगे, इस पॉइंट के अबाउट बना लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या आ जाएगा mg into a प्लस म्यू F2 into 2a, है ना, और ये अपोजिट टॉर्क है ना, ये तो अपोजिट टॉर्क है ना भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और एक और यहाँ माइनस आएगा ना, ये माइनस है, और F2 का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, तो F2 into a by 2। ये तीन इक्वेशन आपके पास है ना, बस अब इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये तीन इक्वेशन सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये आंसर जो आपके पास बनेगा म्यू की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इनको सॉल्व करने से। म्यू की क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, 2 म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 4 म्यू प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू कितना आएगा, म्यू आ जाएगा 11 बाय 5। ओके, तो आपका एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो सिंपल ये बैलेंस करवाना है, मेनली फोर्स इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगला आता है फोर्थ क्वेश्चन, वाई एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए एक रे जो है वो टकराती है ना, और एक्स के लिए एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, है ना, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट आपको बताना है कि इसका कितना होगा। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, आपको यहाँ पे एक रे दी हुई है ना, और वो रे इस तरह से ओरिजिन पे आती है ना, ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो अब देखो इस केस में जब ये इसका नॉर्मल है ना, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो y एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हो जा रही है, जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट इसका आगे बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, म्यू की वैल्यू कम होगी, x बढ़ने पे म्यू कम होगा, म्यू कम होगा मतलब ये डेंसर मीडियम की तरफ, तो नॉर्मल कौन है, नॉर्मल ध्यान रखना x एक्सिस से, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटना मतलब कि x एक्सिस से दूर हटना, तो x एक्सिस से दूर हटेगी मतलब ये y एक्सिस की ओर मुड़ने लग जाएगी, तो जैसे ये y एक्सिस की ओर मुड़ने लगेगी ये इस तरह से कुछ टाइम बाद क्या होगा, पूरा का पूरा ऐसे इस तरह से पीछे हट जाएगी इस केस में, तो अब इस केस में जैसे यहाँ पे x बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, म्यू घटेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपने पास जहाँ से मुड़ेगी वहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो x एक्सिस नॉर्मल, देखो इसका नॉर्मल कौन है x एक्सिस, तो यहाँ से जब मुड़ रही है तो x एक्सिस से एंगल कितना हो गया 90, है ना, तो इस केस में इस पॉइंट पे एंगल 90 बन रहा है, और ये x कोऑर्डिनेट मान लिया इतना है, तो स्नेल रूल क्या कहता है, म्यू साइन आई, और ये सब पैरेलल स्लैब की तरह काम करेगा, है ना, तो म्यू नॉट साइन आई नॉट बराबर म्यू साइन आर, इस तरह से म्यू नॉट साइन, अब यहां जो एंगल बनेगा वो आपको कौन सी एक्सिस से दिया हुआ है, वो आपको वाई एक्सिस से दिया हुआ है, तो यहां एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट 1 माइनस एक्स बाई डी, और इसको साइन 90 लिख दो, तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा x बराबर d1 माइनस cos थीटा। अब इसमें आप d की वैल्यू डालोगे 10, cos थीटा डालोगे 60, तो 1 बाई टू, 1 बाई टू, तो 5 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या आएगा 5। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा 5।
है ना। तो मेनली आपको यहाँ से इस तरह से श्रेय का पाथ जो है वो ट्रेस करवाना है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में आपको अब यहाँ पे आपको देखो एक स्फेयर दिया हुआ है, उस पर एक आर बाई थ्री हाइट पे एक फोर्स लगाया हुआ है। तो देखो क्या होगा इस केस में, आपने फोर्स जो है वो आर बाई थ्री हाइट पे लगाया ना इस तरह से, तो इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क मिलेगा, वो इसको आगे चलाना चाहेगा साथ में घुमाना चाहेगा। बट मान लेता हूँ कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, ठीक है, और प्योर रोलिंग करवानी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब इस केस में देखो इक्वेशंस कैसे कैसे बनेगी, एफ माइनस एफ एस बराबर एम ए। एफ एस की वैल्यू आपको पता ही है ना, भाई मैक्सिमम लगाना है तो एफ एस को आपको मैक्सिमम म्यू एम जी पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एस बराबर म्यू एम जी है ना। तो एफ माइनस म्यू एम जी बराबर एम ए पहली इक्वेशन। दूसरा रोटेशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, एफ इंटू आर बाई थ्री प्लस एफ एस इंटू आर, यानी कि एफ एस का मतलब क्या है, म्यू एम जी इंटू आर बराबर टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बराबर एल्फा आर। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है। तो बस ये तीन इक्वेशन बनाओ, इससे आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी, और इस एफ की वैल्यू में जो आप मास और इन सब डेटा की वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो एफ बराबर क्या आएगा इस केस में, सॉल्व करने पर आएगा एफ बराबर फाइव म्यू एम जी, यानी कि फाइव म्यू की वैल्यू कितना है 0.4, एम जी कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन है ना। तो सॉल्व करो इन तीन इक्वेशन को, मेनली तीन इक्वेशन आपको बनानी थी, ओके। जो आपको दो मोल आइडियल गैस के लिए, आइडियल मोनेटरिक गैस के लिए वीटी एक प्रोसेस दी गई है, तो देखो इस प्रोसेस के हिसाब से वीटी बराबर कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ टीवी की पावर 2-1 बराबर कांस्टेंट। तो कंपेयर करने पे एक्स कितना आ रहा है 2। अब हमें पता है सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी प्लस आर अपॉन 1-x। सी वी कितना हो जाएगा आपके पास एफ बाई 2R, यानी कि 3/2R प्लस आर अपॉन 1-2, तो ये कितना हो जाएगा आर। तो इस केस में आपको यहाँ पर देखो वैल्यू जो सॉल्व करने पाएगी सी की वो कितनी आएगी आर बाई 2। फिर देखो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा यू क्या होता है एन सी डेल्टा टी, और ये हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। तो एन सी कितना हो जाएगा आर बाई 2, और सी वी कितना है, सी वी है 3R/2 ये, और ये आर बाई 2 ये है ना। तो एन से ये तो कट जाएगा अपना, उल्टा लिख देना मैंने, यहाँ सी वी और यहाँ सी आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना रहेगा, ये आर बाई 2 कटेगा 3, ओके। तो सिंपल सी डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी होता है, डेल्टा क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी होता है, उसको सॉल्व करना है। सी के लिए फॉर्मूला है सी प्लस आर सी वी प्लस आर अपॉन 1-x, ये सी वी है, ओके। तो आपका ये 6 का आंसर बन जाएगा 3। देखो 7 क्वेश्चन में आपको हीट इंजन के लिए आपको इस तरह से एक कोफिशिएंट बताना है। तो ईटा बीटा प्लस 1 बराबर 1 होता है, ईटा को लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/10, बीटा प्लस 1 बराबर 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। कोई कंफ्यूजन इसमें बच्चों, 8 क्वेश्चन में आपको तीन गोले दिए हुए M1 M2 और M3। M1 जो है V1 स्पीड से आके टकराता है M2 से, और M2 के बगल में M3 रखा हुआ है, ठीक है। इनके मास अलग अलग है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, हर अगला ऑब्जेक्ट रेस्ट में, M1 जिससे टकरा रहा है वो रेस्ट में, M2 जिससे टकराएगा वो भी रेस्ट में, और ये 1D कोलिजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास V1 V2 के फॉर्मूला होते हैं उनसे आपके पास V2 कितना आ जाएगा, V2 आएगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 V1 है ना, और ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है 1 है। फिर जब V2 से इसको टकराओगे तो V3 कितना आ जाएगा, V3 आएगा 2M2 अपॉन M2 प्लस M3 V2। फिर जब आप यहाँ V2 की वैल्यू डालोगे तो V2 की वैल्यू कितनी डालोगे, ये वाली कितना आ जाएगा 2M2 M2 प्लस M3 है ना, और V2 के लिए डाल दो 2M1 अपॉन M1 प्लस M3 V1। अब देखो ये आपके पास फाइनल स्पीड है V3, इन्होंने पूछा है कि V3 मैक्सिमम लाना है और आपको M1 M3 गिवन है, M2 जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो M2 की वैल्यू क्या हो कि V3 मैक्सिमम आ जाए, तो मैं क्या करूँगा इसमें, सिंपल dV3 बाई dM2 इस डिफ्रेंसिएशन को जीरो कर दूँ है ना। अब इस डिफरेंशिएशन को जब मैं जीरो करूंगा तो जीरो करने के बाद मेरे पास M3 की
m2 की जो वैल्यू आती है वो आती है m1 और m3 का रूट, जब इसके डिफरेंशिएशन को मैं जीरो करूंगा तो, है ना। अभी डिफरेंशिएशन करना है आप मैथ्स के बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो आपका सॉल्व करने पर आंसर क्या बनेगा, 9 × 1 दैट इज 3। कोई कन्फ्यूजन इसमें, ये 8th का आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको 9वें क्वेश्चन में एक एम मास के स्फेयर को ऐसे आगे थ्रो किया और उल्टा फेंक के, उल्टा घुमा के आगे थ्रो किया है। तो देखो इसमें जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बनेगा ना, उस कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कैसे होगी, उस कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी वी नॉट आगे होगी और ओमेगा आर भी आगे होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। अब ये फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉर्मल। तो अब ये फ्रिक्शन इस पॉइंट के अबाउट आप देखेंगे तो नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जो है वो जीरो आ जाएगा। तो नेट टॉर्क जैसे जीरो आएगा तो अब यहाँ पे देखो आप इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। तो जब फाइनल प्योर रोलिंग होगी तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में क्या बनेगा, वी और ओमेगा आर इस तरह से बनेगा, है ना। जो भी फाइनल ओमेगा आर बनेगा, फाइनल वी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो उस केस में देखो इस पॉइंट के अबाउट मैं निकाल रहा हूँ फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इस पॉइंट के अबाउट मैं निकालूंगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्या करना है, मुझे जीरो करना है। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। तो जैसे मैं इसको जीरो करूंगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैं इसको जीरो इक्वल करूंगा तो देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो कितना आ रहा आपके पास, आई ओमेगा इस पॉइंट के अबाउट। तो देखो किसी पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ना, पहले सी एम के अबाउट निकालो और फिर एल ऑफ सी एम अबाउट दैट पॉइंट निकालो। तो सी एम के अबाउट क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा माइनस एम वी आर। भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो आई ओमेगा ऐसे आ जाएगा, है ना, वो किधर आएगा, बाहर की तरफ, है ना। और एम वी आर किधर आएगा, इस पॉइंट के अबाउट एम वी आर अंदर की तरफ आएगा। तो दोनों को अपोजिट इसलिए माइनस कर दिया। फाइनल मोमेंटम देखो आई ओमेगा ऐसे और एम वी आर ऐसे। प्योर रोलिंग के केस में हमेशा ध्यान रखना वी इक्वल्स टू ओमेगा होता है तो जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या पूछ रहे हैं कि इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी लेनी है। तो इसको देखो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा मेरे पास, एम वी नॉट आर अपॉन आई। तो एम वी नॉट आर 2/5 एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5V0/2R। तो 5V0/2R अब यहाँ वैल्यू डाल दो तो 5 × 2 × 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 5, है ना। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इसका, 5 rads/s। तो ये सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट पॉइंट का अबाउट जीरो होगा क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट लग रहे हैं। तो उस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क आएगा ही नहीं, एमजी भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो एमजी का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, है ना। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th पे। अगला आता है बेटा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको एक टॉल सिलेंडर दिया हुआ है। टॉल सिलेंडर में आपको इस तरह से गैस भरी गई है ना, नाइट्रोजन गैस, है ना। अब इसमें हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, एच हाइट पे एक डी एच विड्थ की लेयर मान लेते हैं। इस पे जो प्रेशर ऊपर से पड़ेगा पी प्लस डेल्टा पी और इधर से पड़ेगा पी, तो उसके से नेट अपवर्ड फोर्स कितना आएगा, पी माइनस पी प्लस डेल्टा पी इंटू ए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा पी इंटू ए, ये नेट अपवर्ड फोर्स। और इसका वेट कितना आएगा, इसका वेट आएगा, ये आएगा रो इंटू डी वी, यानी कि रो ए डी एच इंटू जी। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपका डेल्टा पी कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ रो जी डी एच, है ना। एक अपने पास होता है गैस इक्वेशन पी बराबर एन आर टी अपॉन एम, है ना। इसको जब आप और सोल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगी रो आर टी अपॉन एम, पी वी बराबर एन आर टी, तो एन आर टी अपॉन वी, तो ये आ जाएगा रो आर टी अपॉन मोलर मास, है ना। तो इससे आप डेल्टा पी क्या लिखोगे, रो आर डेल्टा टी अपॉन एम। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप इक्वल करोगे तो आपके पास आ जाएगा रो आर डेल्टा टी अपॉन एम रो जी डेल्टा एच, या डी एच मान लो, है ना, इसको भी डी टी मान लो, ठीक है। तो रो से रो कट जाएगा, इससे आपके पास, आपको क्या पूछा गया था, डी टी बाई डी एच। तो डी टी बाई डी एच क्या आ जाएगा इस केस में, डी टी बाई डी एच सॉल्व करने पर आएगा आपके पास जी एम जी अपॉन आर, है ना। अब आप यहाँ m और g की वैल्यू और r की वैल्यू जब डालोगे तो बीटा आपके पास सॉल्व करने पे आएगा -33 × 10⁻³।
है ना, तो माइनस 33 इंटू 10^3 और माइनस साइन तो फिर यहाँ से ही जाएगा आपके पास, ये माइनस चल ही रहा था ना, तो माइनस हर जगह आपको पुट करना ही है, ठीक है। तो आपके पास माइनस 33 ये आ जाएगा। अब आप 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11, 33 को 11 के फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे, 11 इंटू 3, तो आपका इंटीजर में आंसर आ जाएगा 3। ओके, बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये बीटा की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मेंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है ना। आई होप आपने जो भी यहाँ पे सीखा है उसको आप नोट्स में ऐड करेंगे और आने वाले टेस्ट के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, डीसीएम जेई फॉर 2020-22 की सीरीज में आपको मोस्ट वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एमटीएस पेपर नंबर 1 को, जिसमें जेई एडवांस्ड पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर के सॉल्यूशन को हम देखने वाले हैं। तो सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस हैं टोटल, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज इजियर टू ब्रेक ए वुडन बार बाय बेंडिंग इट एज कंपेयर टू पुलिंग इट। टू ब्रेक ए वुडन बार, ए मैन होल्ड्स द बार इन हिज फिस्ट एंड देन ट्राइज टू ट्विस्ट हिज फिस्ट एज शोन द फिगर, वेयर बी इज विड्थ ऑफ हिज फिस्ट एंड एल इज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस वेयर ही होल्ड्स द बार। ओके, तो एक बार है, एक रॉड है, उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, बैंड करना है एक तरीके से। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है इसमें, है ना? टू ब्रेक द बार मोस्ट इजिली द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू इंक्रीज एल एंड बी एंड कीप बी अनचेंज्ड, इंक्रीज बी एंड कीप एल अनचेंज्ड, इंक्रीज बी एंड एल बोथ। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ द बार विच मैटर्स, द क्वांटिटीज बी एंड एल हैव नो इफेक्ट। ऑब्वियसली बी और एल का इफेक्ट तो पड़ेगा, जो स्ट्रेंथ है वो मैटर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बी और एल का इफेक्ट नहीं पड़े। प्रॉपर तरीके से अगर लगाया जाए तो बार को ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ओके, तो दोनों तरफ से सिमेट्रिकली फोर्स लगाया जा रहा है। ये जो आपको थंब नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जो थंब है इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा, ठीक है। ओके, और ये वाला भी सेम इसी तरफ सिमेट्रिकली इधर लगाएगा। अगर मैं इसको N1 मेंशन करूँ तो ये भी N1 हो जाएगा, और जो फीस्ट है, जो हथेली है, वो कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगी, ठीक है। थंब जो है वो डाउनवर्ड और हथेली जो है वो अपवर्ड लगाएगी इस रोड पर। तो इस तरफ जो एंड है यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स जो है वो लगेगा, तो यहाँ इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में N2 फोर्स हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हथेली लगा रही है, फीस लगा रही है, ओके, रोड पर। सेम सिमिलरली सिमेट्रिकली अगर अपन देखें तो इस तरफ भी N2 लग जाएगा, ठीक है। अभी वैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो 2N2 है वो 2N1 को बैलेंस करेगा डाउनवर्ड, दैट मीन्स N1 इक्वल्स टू N2, तो N1 और N2 दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब मैं अगर सेंटर ले लूँ सिमेट्रिकली यहाँ पर, इस सेंटर के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूँ, इधर वाले को एक बार के लिए भूल जाएं अपन, इस तरफ वाले में टॉर्क देखें अपन, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना लग रहा है, तो देखिए N2 का जो टॉर्क है वो कितना आएगा सेंटर के अबाउट अगर अपन देखें, तो N2 का टॉर्क जो है वो आ जाएगा, लेट्स से दिस लेंथ इज L, ये L/2 हो जाएगा इतना। तो N2 का जो टॉर्क आया इस डायरेक्शन में, उसको लिख सकता हूँ N2 इंटू बी प्लस L/2, जो कि इस तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और जो N1 का टॉर्क है वो N1 इंटू L/2 आएगा, है ना, क्योंकि इस पॉइंट से डिस्टेंस जो L/2 आ जाएगी, जो कि अपोजिट होगा, तो माइनस N1 इंटू L/2 ये टॉर्क आया। ओके, अबाउट इस तरफ वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ इसको सॉल्व करें अगर अपन, और N2 और N1 दोनों इक्वल थे अभी मैंने देखा था, तो इसको N1 ही लिख दें अपन, N2 बराबर N1, तो N1 L/2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू अपने पास कितनी बचेगी, N1 इंटू बी। तो ओवरऑल जो टॉर्क है वो लेंथ बी पर डिपेंड कर रहा है, ज़्यादा टॉर्क लगेगा, सीधी सी बात है, बी ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और जो रॉड है उसकी बेंडिंग की जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, तो ब्रेकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सही से अगर आपको ब्रेक करना है तो बेटर ऑप्शन इसमें क्या है, बी को अगर मैं इंक्रीज कर दूं और एल अनचेंज्ड है तो ठीक है, ओके है, तो सेकंड ऑप्शन जो इसका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी और सारे जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लोर ऑफ ए सिलिंड्रिकल रूम ऑफ रेडियस आर, इट टर्न्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर 3 इलास्टिक कोलिजंस विद द वॉल्स एंड द सीलिंग। इफ द पार्टिकल रिमेन्स इन एयर फॉर टाइम टी, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। देखिए, पार्टिकल को हमने यहाँ से सेंटर से लॉन्च किया, सिलेंड्रिकल रूम है ये, और रेडियस अपन को आर दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, और स्पीड अपन वी अज्यूम कर लेते हैं। ये 3 कोलिजन करेगा, पहले तो यहाँ से दीवार से इस तरफ टकराएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये सीलिंग पे टकराएगा, एंड देन फिर वापस यूँ आएगा टकरा के, एंड देन उसी ओरिजिनल पोजिशन पर वापस ये लैंड कर जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसी मोशन होगी इसकी। और इलास्टिक कोलिजन है तो इतना अपन सब लोग जानते हैं, वर्टिकल वॉल से अगर कोई भी पार्टिकल अगर कोलिजन करता भी है
तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जिस स्पीड से इस तरफ टकराएगा सेम स्पीड से वापस बाउंस बैक कर जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन चीज है। तो अगर यहां से देखें अपन, तो सबसे पहले यहां टकराया, आर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ट्रैवल की, फिर वापस आएगा, अगेन आर डिस्टेंस, फिर वापस इधर जाएगा, अगेन आर डिस्टेंस, फिर वापस आया आर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 4r, एंड डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। सो दिस 4r इज इक्वल टू स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज v cos थीटा, v cos थीटा, v cos थीटा, हर तरफ v cos थीटा रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, v cos थीटा, एंड टोटल टाइम कितना है कैपिटल t। सो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4r / t cos थीटा, 4r / t cos थीटा इसमें सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इनमें भी देखना है अपन को, क्योंकि यहां t की टर्म्स में नहीं दे रखा। अब देखिए, जब पार्टिकल यहां पे स्ट्राइक करेगा इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इसके बाद में इधर जा रहा है ये, तो अगर मैं मिरर इमेज ले लूं इधर से, तो ये दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम आएगा यहां से यहां तक। ठीक है, यहां पे ये सीलिंग है, ये टकराया, उसके बाद में इधर जा रहा है, मैं मिरर इमेज ले रहा हूं इस तरफ, तो मिरर इमेज के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा पाथ बनेगा। देखो, तो यहां से यहां तक आर, फिर अगेन आर, फिर आर, फिर आर, टोटल कितना हो गया ये 2r, और ये सॉरी 4r, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2r यहां से यहां तक, करेक्ट। ये भी क्लियर हो गया। और अगर ये मैक्सिमम हाइट अगर होती, तो उस केस में कुछ ऐसा केस बनता, देखो यूं जाता यूं आता, तो उस केस में जो पूरा कंप्लीट होता तो रेंज हो जाती हॉरिजॉन्टल रेंज, और मिड पॉइंट जो है वो आर कैपिटल आर बाई टू होता फिर ये। तो ये जो टू आर है ना, टू स्मॉल आर, ये कैपिटल आर बाई टू से कम होना चाहिए, तब जाकर के ये सीलिंग से कोलिजन करेगा, अदरवाइज यूं ग्रेज करता हुआ निकल जाएगा, समझे ना बात को। तो ये जो टू आर है वो कैपिटल आर बाई टू से कम होना चाहिए, बस इससे अपन आगे देखते हैं। चलो देखो क्या रिजल्ट आता है, देखिए, तो 2r लेस देन r बाई टू रख देते हैं इसको, कैपिटल R जो है वो रेंज है, और इसको अपन लिख सकते हैं v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज होगी, और डिवाइड में 2, यहां से 2 g को उधर ले जाइए, 4 rg अपॉन में साइन 2 थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दीजिए, तो ये जो है ये लेस देन आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां v आ गया, तो v की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 4 rg अपॉन में sin 2 थीटा से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये अपन को कौन से ऑप्शन मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आइए, व्हेन टू सॉप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडाई कोलिज सम पोर्शन ऑफ देयर सर्फेसेस मेक ए कॉमन सर्फेस एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द कॉमन सर्फेस, द थ्री सर्फेस मीट एट एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, व्हाट रिलेशन शुड दीज एंगल्स बियर। देखिए, ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पर ये वाली जो सरफेस है, सरफेस टेंशन लेट से डीएल डिस्टेंस में अगर अज्यूम करूं, तो डीएल डिस्टेंस पर सरफेस टेंशन कितना फोर्स लगाएगा, टी इंटू डीएल। ठीक है, सो बबल आपने बनाए ये, तो ऑब्वियसली मटेरियल सेम होगा, तो टी की वैल्यू सेम होगी, सरफेस टेंशन सेम होगा, इस तरफ भी जो है सरफेस टेंशन जो है वो जो भी पुलिंग फोर्स लगाएगा टी इंटू डीएल, इस तरफ भी कितना लगाएगा टी इंटू डीएल, सब तरफ टी इंटू डीएल लगाएगा, और ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो सीधी सी बात है तीनों जो फोर्स है इनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। अब तीनों फोर्स आइडेंटिकल है, देखिए, है ना, और लामीज थ्योरम अगर अपन लगाएं तो एफ वन बाय साइन अल्फा इक्वल टू एफ टू बाय साइन बीटा इक्वल टू एफ थ्री बाय साइन गामा, इफ एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ थ्री, तो सीधी सी बात है साइन अल्फा बराबर साइन बीटा बराबर साइन गामा हो जाएगा, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो ये जो तीनों एंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे। आपके माइंड में अगर प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखिए यहाँ जो प्रेशर होगा ना, यहाँ वाला प्रेशर, यहाँ वाला प्रेशर, यहाँ वाला प्रेशर, वो प्रेशर और जो सरफेस टेंशन का जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो है वो एक्सेस प्रेशर से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको प्रेशर का जो डिफरेंस वाला जो फोर्स लगेगा ना, वो बैलेंस कर देगा, वो इधर कर देगा, ये वाला इधर कर देगा, ये वाला इधर कर देगा, तो वो आपस में एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे। बाकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स की बात करें ना, तो वो ये तीनों के तीनों जो हैं सेम अमाउंट के हैं, तो उस केस में जो अल्फा बीटा गामा है इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टू इन्फिनिटली लार्ज प्लेन्स ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड कैरी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखिए, लार्ज प्लेन्स है ये, ठीक है, तो कंडक्टिंग प्लेन मानने की गलती मत कर देना यहां पर, तो लार्ज प्लेन्स है, तो एक पे तो सिग्मा है और एक पे माइनस सिग्मा है, ये नहीं बता रखा किस पे है, तो वो तो खैर अपन एक पे कंसीडर करके देख लेते हैं, वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे भी चेक कर लेंगे, राइट। तो इस पर मैं पॉजिटिव अज्यूम कर लेता हूं, तो ये लार्ज प्लेन है, पॉजिटिव है इस पे,
और इस पर आ गया माइनस नेगेटिव। तो अगर यहां देखें इस पॉइंट पर, तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस तरफ आएगा ना सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, विच इज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑब्वियसली इस तरफ आएगा, अगेन वैल्यू क्या आएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू तो सेम ही है ना, प्लस माइनस में जरूर है, तो रिजल्टेंट डेफिनेटली इसी तरफ आएगा, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली सही है। यहां पर यहां देखें इस वाले पॉइंट पर, प्लस के कारण इस तरफ आएगा, माइनस के कारण इस तरफ आएगा, रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है और ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहां देखें तो प्लस का इस तरफ, माइनस का इस तरफ, रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई सब तरफ कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी और इस वाले डायग्राम में दोनों सेम से हैं, नजर सेम आ रहे हैं, देखिए है ना। लेकिन अगर आप गौर से देखो, यहां फील्ड डेंसिटी जो है, मतलब फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी वो बढ़ रही है, गौर से ऑब्जर्व कीजिए आप, तो डेंसिटी बढ़ने का मतलब फील्ड की वैल्यू यहां के कंपैरेटिवली यहां पे ज्यादा बन रही है, जो कि गलत है ना। फील्ड तो यूनिफॉर्म ही होगा, वो तो कंफर्म है, लार्ज प्लेन से फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो यहां डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी अगर अपन देखें तो प्रॉपर है, देखिए गैप बराबर बराबर है तो प्रॉपर है, तो उस केस में इसकी बजाय कौन सा सही है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, इतना देखना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें फील्ड लाइंस को देखना पड़ेगा, और ये तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गए, इसमें तो सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर इज हेल्ड क्लोजिंग द ओपनिंग ऑफ ए थिन हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ द सेम रेडियस, बोथ द बॉडीज आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड हैविंग यूनिफॉर्म चार्जेस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ईच, द प्लेट इज रिलीज्ड कीपिंग द शेल फिक्स्ड, देन मास ऑफ द डिस्क इज स्मॉल है। देखिए एक तो हेमिस्फेरिकल शेल है अपने पास, ठीक है, रेडियस आर है इसकी, ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका जो ओपनिंग है ना वहां उसको कवर करने के लिए हमने एक ढक्कन लगा रखा है, ठीक है, डिस्क शेप का एक तरीके से, इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो सीधी सी बात है ये इसको जो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, जैसे ही आप छोड़ोगे तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकली जो डिस्क है इधर की तरफ आगे जाएगी, है ना, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चली जाएगी अगर अपन और कोई फोर्स अगर कंसीडर ना करें, तो ये मूव करता ही जाएगा आगे, और हमसे ऑप्शंस पूछे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेट इज दिस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेट इज दिस, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लेट इज दिस, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लेट इज दिस, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन अपन को बताना है, ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्क की, राइट। तो एक चीज देखिए, अगर मैं इस स्फीयर पर क्यू चार्ज लेट करूं, लेट्स से कि इस पे चार्ज क्यू है, और इस डिस्क पे चार्ज अगर मैं कैपिटल क्यू, या चलो कैपिटल क्यू मान लीजिए, कैपिटल क्यू है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर इस तरफ भी अगर हेमिस्फीयर मानता, थोड़ा लॉजिकली सोचना, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो चार्ज क्यू आता फिर बोथ साइड आता ना, तो चार्ज क्यू आता, दोनों चार्ज जो है मिल करके 2q चार्ज होता, और 2q चार्ज का जो पोटेंशियल आता अंदर वो हर जगह सेम होता, यूनिफॉर्म होता, और उस पोटेंशियल के अंदर ये डिस्क रखी हुई है जिसपे चार्ज कैपिटल क्यू, तो बताइए इस कैपिटल क्यू चार्ज वाले डिस्क का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता, पोटेंशियल एनर्जी होता क्यू इंटू वी, वी क्या होता पूरे गोले का पोटेंशियल, और अगर मैं हाफ पार्ट उड़ा दूं तो ऑब्वियसली पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, और सिमेट्रिकली रखें तो पोटेंशियल आधा ही होता ना, इसी स्फीयर का ही तो होता, आधा ही तो आता, आधा आने का मतलब आगे वाला आधा वाला पार्ट हटा दे तो चार्ज क्यू तो बचा, तो पोटेंशियल कितना आता क्यू इंटू के क्यू बाय आर, समझ आई बात, क्योंकि चार्ज 2q होता टोटल होता, तो आधा होगा तो क्यू बचेगा, तो के क्यू बाय आर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है इस डिस्क की अभी, और जैसे ही रिलीज करोगे तो भागेगा ये, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा तो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना कंसीडर करते हैं अपन, जीरो, बस अब खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। तो हमें ओवरऑल यही पार्ट कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो इस पार्ट को अगर अपन देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यू के स्मॉल क्यू बाय आर आएगा, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो थी और फाइनली इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें ये पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो वो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही होगी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले क्यू की बात करें तो डिस्क पे जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, तो क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, डिस्क का रेडियस आर है, के की वैल्यू 1/4 πε एप्सिलॉन नॉट होता है, ये रख देते हैं अपन, कैपिटल आर रख दिया, स्मॉल क्यू जो है इस हेमिस्फेरिकल शेल जो है इस पे चार्ज है, इसको रखें तो सिग्मा इंटू 2πr स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का जो भी चार्ज एरिया जो होगा आधे का वो 2πr स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें इसको तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां कितना बचा, सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब आ जाएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसको देखें अगर अपन, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है परफेक्टली और सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में स्पीड पूछिए, मैक्सिमम स्पीड पूछिए, तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना है, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर करना है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, एम डिवाइड में आ जाएगा बस, तो और अंडर रूट कर देंगे इसका, तो वी आ जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन में एम एप्सिलॉन नॉट, जो कि ना तो इसमें है ना इसमें है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों ही जो है ना वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन फाइनली कौन सा आया अपने पास, फर्स्ट आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सिक्स्थ, ए फ्लैट एयर कैपेसिटर सी कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर, इनिशियली वन ऑफ द प्लेट्स वाज नॉट चार्ज्ड व्हाइल द अदर हैड चार्ज क्यू, इफ एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ स्लैब ऑफ फाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन, दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों लार्ज प्लेट्स हैं और एक पे चार्ज आपने क्यू दिया, तो बहुत काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्यू चार्ज इसको दिया और दूसरा अनचार्ज्ड है, सो सीधी बात इंडक्शन के कारण यहां पर चार्ज जो है वो नेगेटिव का आ जाएगा, माइनस का क्यू बाई टू, इधर आ जाएगा प्लस का क्यू बाई टू, ठीक है, तो इसमें आई थिंक कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, और इस तरफ क्योंकि टोटल चार्ज इस पे जीरो है ना, तो यहां पर प्लस का क्यू बाई टू आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा प्लस का क्यू बाई टू, ठीक है, तो ये तो आना ही चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, अब मैं आपसे अगर पूछूं इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, तो देखिए सीधी सी बात है, बाहर वाला जो फील्ड है उसकी एनर्जी को अगर कंसीडर नहीं करें, खाली कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में भैया जो अंदर वाला जो फील्ड है ना उसी को ही कंसीडर किया जाएगा, उसी की एनर्जी को कंसीडर किया जाएगा, और इसके बीच में एक स्लैब रख दिया आपने, ठीक है, और वो स्लैब ऐसा है जो कि जिसका रेजिस्टेंस फाइनाइट है, इसका मतलब चार्ज लीक करेगा इसके अंदर से अंदर, तो ये प्लस का क्यू बाई टू माइनस का क्यू बाई टू जो है ना आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा थोड़ी देर बाद में, तो चार्ज जीरो हो जाएगा, कौन सी सरफेस चार्ज जीरो हो जाएगा, इनर सरफेस पर, आउटर वाला वैसे ही रिपेल कर रहा है, वो तो पास में क्यों आएगा, समझ रही ना बात, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, कैपेसिटर की एनर्जी होगी क्यू बाई टू, चार्ज ध्यान रखना क्यू बाई टू होगा, स्क्वायर बाय टू सी, तो यहां से इसको सॉल्व करें तो क्यू स्क्वायर बाई ये फोर फोर इंटू एट, क्यू स्क्वायर बाई एट सी जो एनर्जी थी इस वाली फील्ड को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसका लॉस नहीं होने वाला, अंदर वाला चार्ज ही लॉस होगा, तो हमसे लॉस पूछा है, डेफिनेटली लॉस किसके बराबर होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी के बराबर होगा, क्योंकि फाइनली ये न्यूट्रल हो जाएगा स्लैब के कारण, क्योंकि अंदर जो है फाइनाइट रेजिस्टेंस का सेल है, तो ये चार्ज जो है वो लीक करेगा एंड फाइनली ये नलीफाई कर देगा एक दूसरे को, तो क्यू स्क्वायर बाई एट सी जो है वो जो है एनर्जी लॉस है, एंड फाइनल चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट इज जीरो ना, फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट इज क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू एंड क्यू स्क्वायर बाई एट सी सेकंड एंड फोर्थ जो है इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, टू पॉइंट मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड ऑफ सेम इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ आर प्लेस्ड ऑन द डॉटेड लाइन द फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइट स्क्रीन, द सोर्सेज इमिट वेव्स इन फेज विद ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन एस1 एंड एस2 इज डी व्हाइल देयर डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज मच लार्जर देन डी, ओके, तो दोनों से जो वेव्स आएंगी ओ पॉइंट पर, ठीक है, वो उनकी दोनों की इंटेंसिटी ओ पॉइंट पर सेम होगी, ये अपन को पहली कंडीशन दे रखी है इसने, और बाकी दोनों से जो वेव्स निकलेंगी वो सेम फेज में निकल रही हैं, तो मतलब कोई एडिशनल कोई फेज डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, और दोनों से जो वेव्स आ रही हैं उनकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है हमें, लैम्डा, ठीक है, डिस्टेंस हमें डी गिवन है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, इफ डी इज 3 लैम्डा बाई 2 एट ओ मिनिमा विल बी ऑब्जर्व्ड, देखिए ओ पॉइंट पे बात करें तो एस2 से वेव आएगी, एस1 से वेव आएगी, ठीक है, तो एस1 और एस2 की जो वेव्स आ रही है इनके बीच में पार्ट डिफरेंस डी तो हुआ, और डी अगर 3 लैम्डा बाई 2 है, ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा इनमें हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है, ठीक है, लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा बाई टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव बोले तो मिनिमा हमें मिलेगा, तो ये सही कह रहा है, ओ पॉइंट पर मिनिमा विल बी ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है। सेकंड देखिए, इफ डी इज 11 लैम्डा बाई 6 देन इंटेंसिटी एट ओ विल बी 3 बाई 4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द स्क्रीन, तो पहली बात तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्क्रीन फाइंड आउट करते हैं, तो एस1 और एस2 जो वेव्स आ रही हैं ओ पॉइंट पर उनकी इंटेंसिटी लेट्स से आई नॉट है दोनों की, अगर आई नॉट है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, 4 आई नॉट, ये आई मैक्स हो गया, इंडिविजुअली मैंने आई नॉट माना तो ये 4 आई नॉट हो जाएगा, तो ये कह रहा 4 आई नॉट का 3 बाय 4 है, 4 आई नॉट का 3 बाय 4 अगर अपन करें तो कितना आएगा, 3 आई नॉट, अब देखते हैं, चलो अगर d की वैल्यू 11 लैम्डा बाय 6 है तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, d तो है, तो पार्ट डिफरेंस को अपन फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस विच इज 2 बाय लैम्डा इनटू 11 लैम्डा बाय 6, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, 2 से 3, तो ये 11 पाई बाय 3 आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूं 4 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है,
तो ये 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 3, और 4 पाई को अपन 0 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी फाइंड आउट करूँ तो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी वो कितनी होनी चाहिए, 4 पाई नोट कोस स्क्वायर डेल फाई बाय 2, एंड डेल फाई इज 4 पाई माइनस पाई बाय 3, डिवाइड करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, ये सही है। डेल फाई बाय 2, 2 पाई की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, एंड कोस पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, विच मीन्स रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 का स्क्वेयरिंग करेंगे अगर तो 3 बाई 4 हो जाएगा, और इधर की तरफ 4 आई नोट है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो, 3 आई नोट आ रहा है जो कि ये 3 बाई 4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, इफ डी इज 3 लैम्डा देन इंटेंसिटी एट ओ विल बी मैक्सिमम, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अगर है डेफिनेटली मैक्सिमम मिलता है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। इफ डी इज 7 लैम्डा बाय 6, तो सेम लाइन पूछी है वही 3 बाय 4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट ओ, क्या ये मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर 7 लैम्डा बाय 6 कर दीजिए, 7 करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, 7 पाई बाय 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 3, ओके 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा, ये 6 पाई प्लस 1 मतलब 7 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो इसको अगर अपन यहां पुट अप करें, डिवाइड में 2 रखें तो ये 2 हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये पाई बाय 6 आ जाएगा, और कोस पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस का कोस होता है लेकिन स्क्वेयरिंग हो रहा है वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, कोस पाई बाय 6 ही बचा, और कोस पाई बाय 6 बोले तो कोस 30 डिग्री मतलब रूट 3 बाय 2, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 3 बाय 4, 4 से 4 कटा, अगेन 3 आई नोट वैल्यू आ गई जो कि वास्तव में 3 बाय 4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों के चारों ऑप्शन जो है इसके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। When a point light source of the power W emitting monochromatic light of wavelength lambda is kept at a large distance A from a photosensitive surface of work function phi and area S, we will have, okay, the surface faces the source, okay, तो ये एक source है, छोटा सा point source मान लिया, नहीं given होता तो point source ही मानना होता, वैसे point light source आपको दे रखा हुआ है, तो W जो है इसकी power है, और मैं आपसे पूछूं कि इससे A डिस्टेंस पर, राइट, A डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, A डिस्टेंस पर मैं आपसे पूछूं इंटेंसिटी कितनी होगी यहां पर लाइट की, तो इससे जो फोटॉन्स निकलेंगे सब तरफ स्प्रेड होंगे, यहां इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, इंटेंसिटी होगी पावर अपॉन में एरिया, 4 पाई ए स्क्वायर इंटेंसिटी आ गई, और यहां पर आपने फोटो सेंसिटिव सरफेस रखी हुई है, इसका वर्क फंक्शन आपको फाई दे रखा है, तो यहां पर जो फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे इसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया एस है, तो यहां पर जो पावर रिसीव हो रही है इस सरफेस पर, पावर कितनी रिसीव होगी, इंटेंसिटी इंटू एस, है ना, इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो आई को मैं एस से मल्टीप्लाई कर दूं तो डब्ल्यू एस अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर, ये पावर रिसीव हो रही है इतनी, और पावर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फोटोन एनर्जी की टर्म्स में, एन एच, ठीक है, एन एच सी बाय लैम्डा, एन क्या है नंबर ऑफ फोटोन्स जो इमिट हो रहे हैं या जो यहां पर जो इंसिडेंट होंगे वो हैं ये, तो एन एच सी बाय लैम्डा, तो ये पहला ऑप्शन यही पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द सर्फेस पर यूनिट टाइम, तो n जो है ना नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर यूनिट टाइम है, जिसको अपन लिख सकते हैं डब्ल्यू एस लैम्डा, लैम्डा इधर चला जाएगा, तो ये चेक कीजिए डब्ल्यू एस लैम्डा आ रहा है जी यहां पर, ये ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 पाई एच सी ए स्क्वायर, 4 पाई एच सी ए स्क्वायर ये भी मिल रहा है, कंप्लीट मिल रहा है अपन को, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, ये तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट आ गया, ये मैक्सिमम एनर्जी जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, और वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी बाहर निकलने में खर्च करेगा फाई, दिस इज के मैक्स, है ना, के मैक्स, बस लैम्डा का एलसीएम ले लिया, एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई मतलब एच सी माइनस फाई लैम्डा बाय लैम्डा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया इसका। थर्ड देखिए, द स्टॉपिंग पोटेंशियल टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, इसको अगर ईवी, अगर मैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में लिखूं तो ईवी नोट लिख सकता हूं, ई को डिवाइड करना, बस इस वाले पार्ट के अंदर ई को डिवाइड कर दीजिए, सेम रिलेशन आएगा, तो वही चीज है, देखिए एच सी माइनस लैम्डा फाई अपॉन लैम्डा ई, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका सही हो गया। फोटो एमिशन अकर्स ओनली इफ लैम्डा लाइज इन द रेंज एच सी बाय 5, एच सी बाय 5 क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है उसके लिए वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये सही कह रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चारों के चारों ये वाले ऑप्शन भी जो है इसके क्वेश्चन नंबर 8 के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, नाइन्थ पे आ जाइए। देखिए, इन द एसी सर्किट शोन पावर फैक्टर ऑफ द बॉक्स इज 0.5 एंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज रूट 3 बाई 2, ऑल्सो गिवन दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज, ठीक है जी,
Effective resistance of the box is this. Effective impedance of the box is 10 ohm. Effective impedance of the box is 5 root 3. Effective reactance of the box is 5 root 3. मतलब impedance, reactance box के लिए ही अपन को calculate करने हैं सारे के सारे, ठीक है? चलिए देखिए, अब box का आपको power factor given है 0.5. अब box के अंदर reactance हो सकता है, resistance भी हो सकता है. तो box का जो resistance है, let's say मैं मान लेता हूँ R है, ठीक है? और इसके पास कुछ ना कुछ reactance भी हो सकता है, X मान लीजिए वो, ठीक है? तो R के लिए arrow इधर आ जाएगा, X के लिए इसके perpendicular हो जाएगा, ठीक है? और ये impedance आ गया box का Z. और पावर फैक्टर अगर 0.5 मतलब 1 बाई 2 कोस 5 की वैल्यू 1 बाई 2 मतलब बोले तो 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया. तो एक तो Z, X और R में ट्रायंगल बन गया. दूसरा कह रहा है सर्किट का पावर फैक्टर रूट 3 बाई 2 है, तो मतलब सर्किट में क्या है, एडिशनल रेजिस्टेंस 10 ओम ही तो है. तो अगर मैं कंप्लीट सर्किट के लिए बनाऊं तो R और 10 ओम दोनों सेम फेज में होंगे, तो R प्लस 10 लिख सकता हूं इसको मैं, X एज इट इज रहेगा ऐसे, और Z अब चेंज हो गया, Z डैश हो गया, ठीक है? अब पावर फैक्टर जो है वो रूट 3 बाई 2, दैट मींस एंगल जो है वो 30 डिग्री हो गया, क्योंकि cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होगी, ठीक है? अब ये देखो ये रिलेशन आ गया अपन को अपने पास. अब अपन से पूछा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्सेस, R की वैल्यू पूछी है, तो दोनों डायग्राम से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन. देखिए X इज इक्वल टू, देखिए X इक्वल्स टू 1060 इंटू R आएगा. 1060 किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर है, रूट 3 इंटू R. और इसके अकॉर्डिंग देखें तो X इक्वल्स टू किसके बराबर है, 1030 मतलब 1 बाई रूट 3 इंटू R प्लस 10, ये आ गया. रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3R इक्वल्स टू R प्लस 10, 2R इक्वल्स टू 10, तो R इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 ओम आ गया. तो जो रेजिस्टेंस है बॉक्स का वो 5 ओम है, डेफिनेटली है जी, फर्स्ट ऑप्शन का सही है. सेकंड कह रहा है इफेक्टिव इंपीडेंस ऑफ द बॉक्स इज 10 ओम, तो कह रहा है इफेक्टिव इंपीडेंस कितना है बॉक्स का, बॉक्स का इंपीडेंस ये जेड है. तो अगर ये आर है और आर की वैल्यू 5 ओम हमें पता लग चुकी है, तो पक्का पक्का ये 10 ओम होना ही चाहिए, क्योंकि 10 cos 60 जो है 1 बाई 2 हो गए होगा. तो ये सेकंड ऑप्शन भी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा. थर्ड देखिए, इफेक्टिव इंपीडेंस ऑफ द बॉक्स इज 5 रूट 3, ये गलत हो गया. इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द बॉक्स इज 5 रूट 3, इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द बॉक्स इज x ना, एंड x इज रूट 3 r, एंड हियर r इज 5, सो x इक्वल्स टू 5 रूट 3, मींस फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो है इसके सही हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो ये था अपना सेक्शन बी. अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर. तो सेक्शन सी इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें अपन. ए लाइट रिजिड रॉड इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड ब्लॉक्स ऑफ मासेस ऑफ m एंड 2m आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द रॉड विद द हेल्प ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड्स. ओके, इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स f इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द रॉड एट इट्स मिड पॉइंट एज शोन द फिगर, देन द एक्सेलरेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज 2f बाय अल्फा m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी है, मिड पॉइंट का एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है, ठीक है? ओके, आइए देखिए इधर. पहली बात तो देखो, आप जो फोर्स लगा रहे हो इस पर, ये जो रॉड है ये रिजिड जरूर है, रिजिड मतलब बेंड नहीं हो सकती, लेकिन मासलेस है, और मासलेस ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर लगने वाला नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है, ये तो हमेशा माइंड में रखें, ठीक है? और सेंटर पे हम लगा रहे हैं यहां पर, तो यहां देखिए जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे फोर्स लगाया मैंने, तो ये वाली डिस्टेंस अगर मैं एल अज्यूम करूं, या मैं 2L भी मान लूं, तो ये वाला L हो जाएगा, ये वाला L हो जाएगा. तो अगर यहां टेंशन अगर मैं सपोज इस धागे में T1 अज्यूम करूं और इस वाले में T2 अज्यूम करूं, तो पहली बात तो T1 प्लस T2 F के बराबर होना चाहिए. दूसरी बात, सेंटर के अबाउट अगर मैं देखूं, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट का, तो मास जीरो है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही जीरो है. तो सेंटर के अबाउट अगर मैं देखूं, करेक्ट, तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क आएगा सेंटर के अबाउट अगर मैं देखूं, तो T1 का टॉर्क कितना आएगा, T1 इंटू L, और T2 का टॉर्क कितना आएगा, T2 इंटू L, ठीक है? और टोटल टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, I अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है. तो T1 और T2 दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, है ना? यही ये क्वेश्चन जो है काफी आसान हो जाता है. तो सेंटर के अबाउट अगर मैं देखूं तो टॉर्क जो है वो जीरो होना मस्ट है जी. अब खेल खत्म हो गया. तो T1 और T2 बराबर है, और T1 और T2 का सम F के बराबर है, तो इसका मतलब T1 और T2 की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, F by 2. तो दोनों का ऊपर जो लगने वाला फोर्स जो है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ टेंशन दोनों पे सेम ही है, तो मैं टेंशन T मान लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे भी टेंशन T, और इस तरफ भी टेंशन T रहेगा, और इस तरफ भी टेंशन T रहेगा, ठीक है? अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की.
तो m1 जो है लेट्स से इसका एक्सेलरेशन a1 है और 3m जो है इसका एक्सेलरेशन जो है वो a2 है, तो t की वैल्यू f by 2 के बराबर है। तो अगर आपसे पूछे कि a1 कितना आएगा, तो a1 जो है m का एक्सेलरेशन विच इज t by m, फोर्स अपॉन में मास, और t की वैल्यू f by 2 है, सो a1 इक्वल्स टू आ जाएगा f by 2m। सेम वे से a2 अगर इस वाले का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जाए तो a2 इक्वल्स टू t by 3m विच मीन्स f by 6m। तो दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, तो जो दोनों रोड्स आपको नजर आ रही हैं, जो रोड्स के दोनों जो एंड्स नजर आ रहे हैं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, क्योंकि ये थ्रेड से कनेक्टेड है, ये भी थ्रेड से कनेक्टेड है, इसका एक्सेलरेशन a1 होगा और इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन a2 होगा। अब हमें मिड पॉइंट का एक्सेलरेशन यहाँ पर पूछा है, ठीक है, मिड पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके जी, तो ये सेंटर के अबाउट अगर अपन देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन लेट से अल्फा से अगर रोटेट हो रहा है, ठीक है, सेंटर के अबाउट अगर देख, सेंटर का भी एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ, सेंटर का एक्सेलरेशन लेट से ए है, ठीक है, सेंटर का एक्सेलरेशन अगर मैं ए अज्यूम करूं, ओमेगा नहीं था पहले, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए वन माइनस ए, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा आ जाएगा ए वन माइनस ए बाय एल, ये अल्फा आ गया सेंटर के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखें तो ए इधर की तरफ है, ए टू आगे की तरफ है, तो इसका मतलब इस सेंटर के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन अपोजिट होना चाहिए, विच मीन्स ए माइनस ए टू होना चाहिए, राइट, ए माइनस ए टू अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए माइनस ए टू अगर अपन लें तो इसके अबाउट अगर एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी सेम रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो ए माइनस ए टू अपॉन में एल। अब एल से एल ये कैंसिल आउट हो गया, ए टू नेगेटिव का इधर आ जाएगा, तो ए वन प्लस ए टू इक्वल्स टू टू ए आया, सो ए इक्वल्स टू आ जाएगा ए वन प्लस ए टू बाई टू। तो जो सेंटर पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन ए वन प्लस ए टू बाई टू के बराबर होगा, दोनों का सम कर देते हैं अपन, तो एफ बाय एम जो है टू एम जो कॉमन आ जाएगा, वन प्लस वन बाई थ्री, और बाई टू भी रखना है तो फोर आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा थ्री एंड वन फोर बाई थ्री, राइट, तो ये फोर बाई थ्री आ गया, फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया, तो एफ बाय अपने पास आ गया थ्री एम, करेक्ट, एफ बाई थ्री एम। तो ये हमारे पास एक्सेलेशन आ चुका है, और यहाँ पर 2f by alpha m है, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 चला जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिफॉर्म सिलेंडर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो 250 kg per meter cube आपको दे रखा है, इज हेल्ड एट रेस्ट इन पूल सो दैट इट्स अपर सर्कुलर सर्फेस is in the level with the water surface, length of the cylinder is L which is 20 cm and radius is R which is 3.0 cm, when released the cylinder jumps out of the water moving vertically, find velocity in meter per second with which the cylinder leaves the water surface, density of water is rho naught 1000 kg per meter cube and acceleration due to gravity is G which is 10 meter per second square, neglect all dissipative effects। तो जो सिलेंडर को जो है हमने नीचे की तरफ पुश करके रखा हुआ है, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ड्यू टू बायंसी फोर्स ही ऊपर की तरफ जंप करेगा, तो वाटर सरफेस जब ये छोड़ेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी हमसे पूछी है, वो भी मीटर पर सेकंड में, ठीक है, बाकी डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो 1000 है जो कि इसका 4 टाइम्स है। तो एक काम करते हैं, इसकी डेंसिटी अगर मैं रो कंसिडर करूँ तो वाटर की कितनी होगी, 4 रो, ठीक है, लेंथ ये वाली एल है, तो जैसे ही बाहर आएगा लेट से किसी इंस्टेंट पर जो सिलेंडर है इसका एक्स डिस्टेंस बाहर आ चुका है, अगर ये x डिस्टेंस बाहर आएगा तो इस पर बायंसी फोर्स और mg की बात करें तो कितना लगेगा, ठीक है, टोटल लेंथ इसकी जो है वो हमने l कंसीडर कर रखी है, तो ये समझ कितना होगा, l माइनस x, तो एक तो mg लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है, तो mg लग गया डाउनवर्ड, और एक बायंसी फोर्स लगेगा अपवर्ड। बायंसी फोर्स कितना लगेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज 4 रो इंटू समस्ट वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे अपन, एक तो लेंथ l माइनस x चाहिए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मान लेते हैं इंटू में g, तो ये बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा, तो ओवरऑल जो फोर्स लगेगा ऊपर ऊपर की डायरेक्शन वो कितना लगेगा, देखिए 4 रो एल माइनस एक्स ए जी माइनस एम जी, सो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम से एम कट गया, एम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इसमें, ठीक है, और एम कितना होगा, सिलेंडर का मास है, सिलेंडर का मास कितना आएगा, सिलेंडर की डेंसिटी रो एरिया ए, ठीक है, और लेंथ कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, एल, तो रो ए एल जो है इस सिलेंडर का मास आ जाएगा, बाकी m कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ से, तो रो ए कैंसिल आउट हो गया, सो वी हैव a इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो देखिए l से l 1 आ जाएगा, तो 4g आ गया ये, माइनस 4
एक्स जी बाय एल, राइट, 4xg बाय एल आ गया, यहाँ ये 4g बचेगा एंड माइनस का g, तो ओवरऑल कितना आया, a इक्वल टू आ जाएगा 3g माइनस 4g अपॉन l इंटू एक्स, ये एक्सेलरेशन आ गया। सो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वो x के साथ वेरी करेगा, तो जब सिलेंडर बाहर आ जाएगा तो x की वैल्यू l हो जाएगी, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, a को क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स, सो a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 बाय एल, है ना, और ये x भी है यहाँ पर और इधर आगे g, ठीक है, ये एक्सेलरेशन, dx को आप इधर ले आइए, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और x कितना था, 0 था, और फाइनल x l के बराबर हो जाएगा और वेलोसिटी v मान लीजिए, तो v dv मतलब v स्क्वायर बाई 2 आ गया इधर, ठीक है, इस तरफ देख लेते हैं, चलो g तो बाहर कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा, 3x आएगा तो अपर लिमिट रख दो, 3 लग गया, माइनस यहाँ जाएगा 4 बाय एल और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 बचेगा इस तरफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट लगा दीजिए तो एल स्क्वायर, एल से एल कट गया तो ये 12 बचेगा, तो 3l माइनस 12 कितना बचा, l बचा, तो वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बराबर, ये आ गया अपने पास जी एल, है ना, और इंटू में 2, तो v की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 2 जी एल, तो इस स्पीड से ये जो है वाटर सरफेस को छोड़ेगा, लीव करेगा, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, चलो मीटर पर सेकंड कितना आएगा, देखो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है और एल की वैल्यू हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दे, 100 से डिवाइड कर दो, 0 0 कट गया, तो 2 इंटू 2 4 4 कंट्रूट कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका जो मीटर पर सेकंड में जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, इन ए लॉन्ग फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल पाइप विद टू आइडेंटिकल पिस्टन्स ए एंड बी, ईच ऑफ मास एम कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, the pipe and the pistons are made of perfect heat insulating materials, the space between the pistons is filled with n mole of gaseous helium, the piston A is given an initial velocity u towards the piston B, if the maximum temperature change of the gas in this motion of the piston is mu square by alpha in r, then find the value of alpha, r is universal gas constant and neglect mass of gas compared to m, piston ka jo mass hai uske comparatively gas ka mass kam hai, theek hai, to jo iska jo motion jo hoga na piston ki motion ke karan jo molecules ka jo मोशन है उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है उसको, रैंडम मोशन को नहीं, सेंटर ऑफ मास की मोशन को, ठीक है। बाकी चलो देखते हैं, दोनों का मास सेम है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और ये फ्रिक्शनलेस है ये सरफेस, ये भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अभी रेस्ट में है, आपने इसको स्पीड यू दी, होगा क्या जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है ना, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो उस समय पोटेंशियल जी मैक्सिमम स्टोर होती है स्प्रिंग के अंदर, उस समय दोनों ब्लॉक की स्पीड भी क्या होती है, सेम होती है, वैसा से ये क्वेश्चन है, तो आपने अगर यू स्पीड दी, ठीक है, थोड़ी देर बाद में ये अपन ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग मोशन कि दोनों पिस्टन की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी बीच में, ठीक है, इसकी स्पीड अगर वी है ना तो इस वाले की स्पीड भी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, और गैस के सेंटर मास की स्पीड को कंसिडर हम करने वाले नहीं है यहां पर, मास कम है इसलिए। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं, क्योंकि नेट फोर्स तो देखा जाए तो कुछ लगी नहीं रहा इन पे, इस सिस्टम पे पूरे पे, तो m इंटू यू उसका जीरो हो जाएगा पिस्टन का, एंड फाइनली क्या आ जाएगा, 2m इंटू वी, m से m कैंसिल आउट, और v की वैल्यू कितनी आ गई, u बाई 2, तो लॉस कितना आया, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आया, चेंज की बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पिस्टन की कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, उसकी जीरो है, माइनस हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी, u बाई 2, तो u स्क्वायर बाई 4, तो 2 से 2 ये कट गया, ये 2 आया, तो mu square by 4 आ गया यहाँ पर, और यहाँ कितना mu square by 2, तो mu square by 2 minus mu square by 4, मतलब mu square by 4 के बराबर kinetic energy में change आएगा, और ये change जो है वो किसको मिलेगा, इस गैस को मिलेगा, और इस गैस में का जो temperature वो rise हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी insulated material से बना हुआ है तो heat का exchange तो हो नहीं सकता, तो ये जो भी energy में जो change आया वो change गैस की kinetic जो random motion है ना उसमें convert हो जाएगा, उसकी thermal energy बढ़ जाएगी, kinetic energy जो temperature उसका rise हो जाएगा। अब ये वन मोनोटमिक गैस है, मोनोटमिक गैस है तो सीधी सी बात, जो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में उसको मैं लिख सकता हूँ एन सी वी डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना आया, एम यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एन सी वी, मोनोटमिक गैस है 3/2 आर इंटू डेल्टा टी, करेक्ट, ये वैल्यू आ गई यहाँ से, अब 2 से 2 ये कट जाएगा और ये 3 जो है डिवाइड में आ गया, 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 हट जाएगा और बाकी एन आर भी आ जाएगा साइड में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा टी की, mu square by 6nr, और हमको दे रखा है mu square by alpha nr, तो alpha की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी इस प्रश्न में, 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए,
A monochromatic light beam is incident on a glass prism cross section of which is a regular hexagon. Width of the beam is so adjusted that it falls up to a middle of the two adjacent sides of the prism as shown. If minimum refractive index of the glass, two separate parallel beams emerge out is root alpha by 2, then find the value of alpha. ठीक है, अभी देखिए यहां से बीम आ रही है, रेगुलर हेक्सागन है ये, ठीक है, सेंटर पॉइंट यहां पे होगा, ठीक है, एक लाइन में सीधी ड्रॉ कर देता हूं सिमेट्रिकली, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखिए ये जो बीम आ रही है ना यहां से यहां तक, ये जो लाइट रेज आएंगी, मुझे इन लाइट रेज को यहां पर इंसिडेंट होने से बचाना है। अगर ये सारे के सारे लाइट रेज जो है बेंड होकर के इधर आ जाए, देखिए अगर यहां जाए तो ये तो एक पैरेलल स्लैब की तरह ट्रीट करेगा इसको। पैरेलल स्लैब में खास बात यही होती है कि लैटरल शिफ्टिंग जरूर होती है, ठीक है, लेकिन डेविएशन जीरो होता है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज यूं जाएंगी और सेम वे से नीचे वाले जो लाइट रेज आ रही है वाली, ये वाली ऐसे चली जाएंगी यहां पे और यहां से ऐसे निकल जाएंगी, तो दो पैरेलल बीम जो है वो बाहर आएंगी, ठीक है, पैरेलल बीम बाहर आएंगी। तो ये कुछ ऐसा कुछ करना है मुझे, है ना, उसके लिए अपन को म्यू की मिनिमम वैल्यू दे रखी, मिनिमम वैल्यू दे रखी है रूट अल्फा बाय 2, अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है यहां पर, अल्फा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जरा, तो मुझे सबसे खास जो चीज है, चलो इसका डायग्राम दूसरा बना दूं मैं, देखिए तो यहां से ये लाइट रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि लाइट रे यहां पे इस सरफेस पे इंसिडेंट ना हो, इस सरफेस पे इंसिडेंट हो, तो उसके लिए मुझे क्रिटिकल कंडीशन ये वाली लेनी पड़ेगी, यहां तक जाए या इससे ज्यादा बैंड हो जाए, म्यू की वैल्यू ज्यादा और बढ़ा दे तो इससे और ज्यादा बैंड हो जाएगी लाइट रे, फिर यहां पर इंसिडेंट हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम के लिए मैं यहीं पर इंसिडेंट करवाऊंगा और ये मिड पॉइंट है यहां पर, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो ऑब्वियसली नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर काम करेगा, ये वाला एंगल कितना आएगा 30, तो ये वाला एंगल भी कितना जाएगा 30, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आ जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के बराबर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर मैं ये वाले डिस्टेंस निकालूं, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए अगर आप गौर से देखो तो, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस एग्जैक्टली इसके बराबर है, देखो ये वाली, और ये एंगल 90 होता है, ये 2a के बराबर, मान लीजिए कि साइड लेंथ अगर मैं a मान लूँ इस रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म की, तो ये 2a हो जाएगी, ये a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, रूट 3 है, तो ये लेंथ जो है एग्जैक्टली रूट 3a के इक्वल है, रूट 3 के इक्वल है, और ये जो हाफ लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये a है पूरा, तो ये आ जाएगा a by 2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10r जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 10r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10r इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस a by 2, बाय बेस इज रूट 3 है, तो 1/2√3 आ गया 10r की वैल्यू, तो मुझे साइन r चाहिए होगा म्यू निकालने के लिए, मतलब स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो साइन r चाहिए होगा, तो 10r अगर 1/2√3 है तो देखिए 1 ये आ गया और बेस आ जाएगा 2√3, तो साइन r की वैल्यू कितनी आएगी, साइन r इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना आएगा 4 × 3 12 + 1 √13, तो ये √13 आ गया, करेक्ट। अब इसमें स्नेल्स लॉ में लगा दूंगा इस सर्फेस के लिए, स्नेल्स लॉ लगाएं तो वैक्यूम से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो 1 × sin 30 विच मीन्स 1/2 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर, साइन आर इक्वल्स टू 1/√3 √13 इधर जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी, √13/2। तो इस टाइप के इंसिडेंस के लिए म्यू की वैल्यू √13/2 आनी चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए कि ये लाइट रे इस तरह बैंड हो, तो म्यू की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए ना, तो मिनिमम वैल्यू मैं √13/2 मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 13, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए। ए रेडियो एक्टिव कंटेन्स टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए एंड बी हैविंग डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा पर आर एंड 2 λ/r इनिशियली, तो दो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है एक रेडियो एक्टिव सैंपल में, और ये कह रहा है कि इनिशियली 20% ऑफ द डीके कम्स फ्रॉम ए, तो एक कंटेनर है जिसके अंदर ए भी है और बी भी है, ठीक है, और इनिशियल जो रेडियो एक्टिविटी है ए और बी की, लेट से ए की है A1 और बी की है A2 एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी, और ये कह रहा है कि ए की जो एक्टिविटी है वो टोटल का 20% है, तो टोटल कितनी आएगी एक्टिविटी, A1 + A2 का 20% कितना आएगा, A1 + A2/5, और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A1 के बराबर है, ये कह रहा है A1 की जो एक्टिविटी है वो टोटल का 20% है, इसका मतलब A1 + A2/5 जो है A1 के बराबर है, विच मीन्स 5A1 = A1 + A2,
तो 4a1 बराबर a2, ठीक है, 4a1 बराबर a2, तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन आ गई, ये इनिशियल एक्टिविटी, ये ध्यान रखनी है आपको, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है कितने टाइम बाद जो a की एक्टिविटी है वो टोटल का 50% हो जाएगी, ठीक है, 50%। तो हाउ लॉन्ग इन आर विल इट टेक बिफोर 50% ऑफ द डीके कम्स फ्रॉम हियर, 50% डीके ए से आ रहा है, तो कुछ देर बाद में देखें तो एक्टिविटी ए की a1 डैश मान लीजिए और b की हो जाएगी a2 डैश। अब इसका 50% बोले तो बाई 2, वो a की एक्टिविटी मतलब a डैश के बराबर है, सही है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2a डैश, तो इसका मतलब a1 डैश जो है a2 डैश के बराबर आ गया, यही तो हुआ। अब a1 डैश जो है वो इनिशियल एक्टिविटी अगर a1 है तो मैं लिख सकता हूं a1 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा टी और लैम्डा इसका लैम्डा ही है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और a2 डैश जो है उसको मैं लिखूंगा a2 e टू द पावर माइनस 2 लैम्डा टी, टाइम तो सेम ही लगेगा, और a1 की जो वैल्यू है या a2 की जो वैल्यू 4a1 के बराबर है, तो इसको मैं 4a1 लिख सकता हूं, इसको ये a1 हो गया, तो a1 से a1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी से भी कट कर सकते हो, तो यहां पर माइनस 2 ये जो है हट जाएगा, तो माइनस लैम्डा टी आ गया, यहां पर 4 को इधर ले जाइए, तो 1/4 इक्वल्स टू आ गया e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है जी। तो यहां तक हमने इसको डिस्कस कर लिया है, तो मतलब मोटा मोटा ये देखें तो e टू द पावर लैम्डा टी जो है 4 के बराबर आ गया। अब लॉग ले लें बोथ साइड, तो लॉग लेंगे तो एल टी बराबर कितना आएगा, ln 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 2 आ गया, जाएगा 2 ln 2 आ गया, और लैम्डा की वैल्यू ln 2 दे रखी है हमें, तो लैम्डा की वैल्यू ln 2 रख देंगे तो ln 2 ये कट जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 2r जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है 2 आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एन आइडियल एलआर सर्किट शोन द रेजिस्टेंस इज आर 10 ओम, द इंडक्टेंस इज एल एंड बैटरी हैज वोल्टेज ई 12 वोल्ट्स, एट सम टाइम आफ्टर द स्विच एस इज इन द सर्किट इज क्लोज्ड, द एमीटर इन द सर्किट रीड्स 0.40 एम्पीयर, इन द रेट एट विच द एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड बाय द इंडक्टर एट दिस इंस्टेंट इज 16/x वोल्ट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो सर्किट को क्लोज कर दिया, करंट फ्लो होने लग जाएगी इसमें, और इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, किसी इंस्टेंट में मान लीजिए करंट आई है तो हाफ एल आई स्क्वायर होगा, और जिस रेट से एनर्जी स्टोर होगी वो डीयू बाई डीटी होगी, इसको टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो आई स्क्वायर का 2i, 2 से 2 कट जाएगा, तो एल आई डीआई बाई डीटी आ जाएगा, करेक्ट। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जो कि दे रखी है 16/x वोल्ट, इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो हमें डीआई बाई डीटी या एल डीआई बाई डीटी की वैल्यू चाहिए यहां पर। तो जैसे ही सर्किट को ऑन करोगे करंट फ्लो होगी ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा विच इज एल डीआई बाई डीटी, ठीक है। चलिए लगाते हैं केवीएल इसमें, तो 12 जो है वो किसके बराबर होगा, 12 इक्वल्स टू एक तो एल डीआई बाई डीटी इसमें खर्च होगा, और दूसरा आर इंटू आई में, ठीक है। तो आर की वैल्यू अपन को 10 दे रखा है, और आई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 0.40 को आर मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 बचेगा, 4 12 माइनस 4 कितना आ गया 8, एल डीआई बाई डीटी, तो एल डीआई बाई डीटी की वैल्यू 8 के इक्वल है, तो ये एल डीआई बाई डीटी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा मैं 8 के बराबर, तो ये वाला पार्ट पूरा 8 है, 8 इंटू आई, और आई कितना है 0.40 मतलब 4/10, ठीक है जी। अब 2 से इसको कट कर दें, 2 ये आ गया, ये 5 आ गया, तो 8 इंटू 2 16/5 वोट, हमें 16/x की टर्म्स में देना है, x की वैल्यू पूछिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 7th पे आइए। ए स्क्रू गेज इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द थिन शीट ऑफ द कॉपर, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.2 mm एंड द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन द सर्कुलर स्केल इज 200, व्हिच मींस लीस्ट काउंट कितना आएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा पिच जो है वो 0.2 mm है और अपॉन में 200, ये लीस्ट काउंट साइड में लिख लेते हैं अपन। When two jaws are brought in contact, then 1/60th division of the circular scale is exactly coincident with the main scale line, and the zero main scale is barely visible. ये लिखा हुआ है, इसका मतलब negative zero error है, और negative zero error 1/60th division जो है, वो main scale line से coincide कर रहा है। इसका मतलब extra जो आ रहा है यहाँ पर 40 का gap आ रहा है, ठीक है? 40 circular scale division जो है, वो पीछे की तरफ है, actually में देखा जाए तो इसके according जो negative zero error वो कितना आ जाएगा? 40 into my least count, which is 0.2/200. ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, पॉइंट तो यहाँ से हट जाएगा, और 2 से इसे कट किया 100, तो 4/100 मतलब 0.04 mm जो है इसका नेगेटिव जीरो एरर है, जिसको अगर रीडिंग जब अपन लिखेंगे लास्ट में तब इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना, करेक्शन करना पड़ेगा इसमें। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखिए क्या कह रहा है।
When thickness of the sheet is measured with screw gauge, the main scale reading is 0.6 mm. अब जब आपने इस शीट की थिकनेस को मेजर किया तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0.6 mm, ये लिख लेते हैं, प्लस 100th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, ओके 100 इनटू लीस्ट काउंट 0.2 अपॉन में 200, कट हो गया ये 2 से 2 कट हो गया 0.1, ठीक है, तो 0.1 आ रहा है, ये 0.6 आ रहा है यहां पर, तो 0.7 mm तो परफेक्ट आ रहा है यहां पर, 0.7 mm तो परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अब उस रीडिंग को इसके साथ ऐड करना है, तो 0.04 को अगर मैं इसके साथ ऐड करूं तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.74 mm। तो एक्चुअल जो थिकनेस है कॉपर शीट की वो 0.74 mm आएगा। अब ये आंसर क्या कह रहा है, तो कॉपर शीट की जो थिकनेस है वो अल्फा इनटू 10^-2 mm है, तो 74 × 10^-2 मैं लिख सकता हूं यहां पर, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 74 आ जाएगी, ठीक है, तो सेवंथ क्वेश्चन का आंसर 74 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कनेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन o ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कॉर्ड ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड नेग्लिजिबल रिलैक्स्ड लेंथ, मतलब लेंथ एक्चुअली या नॉर्मल लेंथ जो है, नेचुरल लेंथ जो है इसकी जीरो है, आप ये मान सकते हो। इन एडिशन टू द इलास्टिक फोर्स ऑफ द कॉर्ड, ए कांस्टेंट फोर्स f वेक्टर इक्वल्स टू f नॉट i कैप आल्सो एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, द पार्टिकल इज पुल्ड टू एन आर्बिट्री पोजिशन एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट की दोनों की वैल्यू गिवन है एज शोन इन द फिगर एंड रिलीज्ड, पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, इफ द पोजिशन ऑफ द अदर एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन इज अल्फा कोमा माइनस बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इन टू के बाय एफ नॉट, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है यहाँ पर। चलिए पहली बात तो ये देखिए, जब पार्टिकल को आप यहाँ से रिलीज करोगे, ठीक है, आइए जरा देखिए, तो पार्टिकल लेट से पार्टिकल की पोजीशन जो है किसी इंस्टेंट पर एक्स कोमा वाई है, तो पार्टिकल की पोजीशन एक्स कोमा वाई है, तो ऑब्वियसली जो रिस्टोरिंग फोर्स है इलास्टिक जो कॉर्ड है उसका जो फोर्स है वो ऑब्वियसली सेंटर की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, और ये आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर के अपोजिट होगा, सो इलास्टिक फोर्स का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपन कह सकते हैं आ जाएगा अपने पास एफ वैक्टर, एफ आर लिख देता हूँ इसको, विच मीन्स माइनस के आर वेक्टर, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन तो यही होगा ना, तो आर वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा, ये फोर्स आ गया, और एक एडिशनल फोर्स आपने लगा रखा है एफ नॉट आई कैप, सो द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज एफ आर, विच मीन्स माइनस के आर वेक्टर प्लस एफ नॉट आई कैप, दिस इज द नेट फोर्स, और पार्टिकल अगर ऑसिलेट हो रहा है तो मीन पोजिशन के अराउंड होगा, मीन पोजिशन पे नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है, तो मीन पोजिशन में नेट फोर्स जीरो होता है, इसको मैं जीरो कर दूं अगर, तो जीरो करें तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, आर वेक्टर देखें तो एफ नॉट इधर जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, एफ नॉट बाय के आई कैप आ गया, ये खास चीज है, ये है मीन पोजीशन की लोकेशन, और मीन पोजीशन की लोकेशन यहाँ साफ साफ नजर आ रही है, एक्स डायरेक्शन के लोंगे एफ नॉट बाय के बराबर है ये, तो मीन पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, यहां बना देता हूं मैं इसको, ये मान लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं इसको आप आर नॉट वैक्टर भी लिख सकते हो चाहो तो, लेट से दिस इज आर नॉट वैक्टर एंड यर आर नॉट वैक्टर इज एफ नॉट बाय के आई कैप, ठीक है, तो ये मीन पोजीशन आ गई, और पार्टिकल मान लीजिए अभी यहां पर है, तो ऑब्वियसली जो मीन पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कंफर्म ये वाला होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये पार्टिकल की रैंडम पोजीशन है कोई आर वेक्टर, ये आर नॉट वेक्टर एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, लेट से दिस इज एस वेक्टर, ये एस वेक्टर आ गया, करेक्ट, तो ये एस वेक्टर है। अब पहले तो ये चेक करना जरूरी है कि यह वास्तव में SHM करेगा, अगर SHM करेगा तो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के एंटी पैरेलल होना चाहिए, तो देख लेते हैं चलो, तो जो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, किसी इंस्टेंट पे बात करें, किसी इंस्टेंट पे जो फोर्स है वो इतना है, देखिए माइनस का के आर वैक्टर प्लस एफ नॉट आई कैप, ये फोर्स है, और आर वैक्टर को मैं लिख सकता हूँ आर नॉट वैक्टर प्लस एस वैक्टर, तो आर वेक्टर को आर नॉट प्लस एस वेक्टर रखूं तो इसको लिख सकता हूं माइनस का के आर नॉट वेक्टर माइनस का के एस वेक्टर प्लस में एफ नॉट आई कैप, और ये आर नॉट वेक्टर था मीन पोजीशन के लिए, तो ये माइनस का के आर नॉट और एफ नॉट आई कैप ये कट जाएंगे ना आपस में, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा फाइनली एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का के एस वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन के एंटी पैरेलल ही है, तो यहां रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट क्या आ गया, के आ गया, अगर हमसे टाइम पीरियड पूछता तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एम बाय के इसका आंसर आ जाता, क्योंकि कांस्टेंट के बराबर ही आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हमसे पूछा है कि जो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन वो कितनी होगी, अगर पहली एक्सट्रीम पोजीशन एक्स नॉट कोमा वाई नॉट है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी, तो ऑब्वियसली ये एम्पलीट्यूड को बताएगा, अगर मैं एक्स नॉट वाई नॉट मानूं
तो दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये वाली दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन होगी। अब दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन के कोऑर्डिनेट जो हैं मैं मान लेता हूँ जैसे x डैश y डैश है, अच्छा ये s वेक्टर है तो ये पक्का पक्का ये वाला जो है ये माइनस s वेक्टर होना चाहिए, ये कंफर्म है, ठीक है। और ये नई वाली जो पोजिशन है, दूसरी जो पोजिशन है ना, तो यहाँ से ये r नॉट वेक्टर और माइनस s वेक्टर का एडिशन कर दें तो x डैश y डैश आना चाहिए, तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो नई जो एक्सट्रीम पोजिशन है वो मैं r डबल डैश वेक्टर मान लेता हूँ, तो r डबल डैश वेक्टर इक्वल्स टू r नॉट वेक्टर प्लस माइनस s वेक्टर मींस माइनस s वेक्टर, ठीक है। तो r नॉट वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर f नॉट बाय k i कैप है, और s वेक्टर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था अभी, ठीक है। s वेक्टर कितना आया था अपने पास, s वेक्टर जो है वो r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर, राइट। r वेक्टर कितना है देखो, माइनस s वेक्टर, r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर, r वेक्टर कितना आएगा अगर x नॉट y नॉट इनिशियल पोजीशन है तो x नॉट i कैप प्लस y नॉट j कैप, दिस इज r वेक्टर, राइट। सो हियर s वेक्टर इज r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर, एंड हियर r नॉट वेक्टर इज माइनस ये आ जाएगा f नॉट बाय k i कैप, ये वैल्यू आ गई देखिए, ठीक है। तो ये r डबल डैश की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, अब बस वैल्यू रखनी है अपन को। तो r डबल डैश जो न्यू पोजीशन है वो देख लेते हैं अपन, तो ये i कैप यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2f नॉट बाय k i कैप, माइनस का x नॉट बचेगा यहाँ पर, और y वाला कितना आया माइनस का y नॉट j कैप, ये नया पोजीशन आ चुका है अपने पास। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज माइनस बीटा, राइट। सो ये बीटा इज y नॉट ओनली। अब x नॉट की वैल्यू हमें दे रखी 2f नॉट बाय k, तो 2f नॉट बाय k अगर रखोगे तो 2f नॉट बाय k माइनस 2f नॉट बाय k कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया खत्म ये तो, राइट। और ये f नॉट बाय k रखोगे y की वैल्यू, तो माइनस बीटा है तो ऑब्वियसली बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, f नॉट बाय k आएगी। तो अल्फा इक्वल्स टू जीरो एंड बीटा इक्वल्स टू f नॉट बाय k, यहां पे रखोगे अगर आप तो ये तो जीरो और ये f नॉट बाय k इससे कट जाएगा पूरा, तो वैल्यू फाइनली कितनी आएगी, वन आएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस थ्रू फोर स्टेप्स, द अमाउंट ऑफ द हीट इन्वॉल्वड इन फोर स्टेप्स आर Q1 Q2 Q3 Q4 गिवन, आपको एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस इज 10x%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। काफी इजी क्वेश्चन है, एफिशिएंसी पूछा है, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस मोड ऑफ क्यू नेगेटिव अपॉन मोड ऑफ क्यू पॉजिटिव इनटू 100, बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है। तो ये कितना आ गया, ब्रैकेट 1 माइनस मोड ऑफ क्यू नेगेटिव ऐड कर लीजिए 5000 3000 नेगेटिव का मोड कर दीजिए 8000 आ गया, और क्यू पॉजिटिव की बात करें तो 4000 एंड 6000 व्हिच मींस 10000 ओके इनटू में 100, तो ये 000 कैंसिल आउट हो गया 8/10 10 माइनस 8 मतलब 2/10 10 से 10 कट जाएगा तो 20% आ जाएगा ये, और 10x दे रखा है तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x का फाइनल वैल्यू कितना आ गया 2, करेक्ट। तो ये था 9th क्वेश्चन और ये था आपका कंप्लीट पेपर। आई थिंक पेपर मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी आसान था, आपके अकॉर्डिंग भी आसान रहा होगा, ठीक है। होपफुली आपके पेपर भी अच्छा गया होगा, ऐसे मेहनत करते रहिए।